क्लियर है। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक में इसमें आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसमें समीर साहब को बोलना है 3 मिनट क्वेश्चन करना, फिर जैद भाई उसको 5 मिनट में रिवर्ट कर देंगे। तो 3 मिनट का मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए समीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। जैद साहब ने आई प्लस के एक प्रोग्राम में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऊपर बात करते हुए ये दावा किया था कि मेरा नबी सच्चा नबी है, क्योंकि उसका जिक्र जो है और दूसरी किताबों के अंदर भी मौजूद है, पहली किताबों के अंदर भी उसका जिक्र मौजूद है, उसके बारे में लिखा गया है और कुरान इसकी वजाहत करता है कि पहली किताबों में भी आपका जिक्र मौजूद है। मैं मुतालबा करता हूं मेरे मोहतरम दोस्त से कि वो मुझे साबित करे कि अल्लाह के रसूल का जिक्र पहली कौन सी किताब में मौजूद है और कहां पर है, प्लीज। तो आपका सवाल हो गया, ठीक है, आपका सवाल हो गया, 5 नहीं 2 मिनट होता है बचता। तो जैद भाई आप जब प्रिपेयर हो जाए तो आप बोल दीजिएगा। मैं कह रहा था कि जवाब के लिए उनके पास 5 मिनट होंगे ना, तो उनको 5 मिनट जवाब के लिए। अच्छा वो आप दे रहे, चलिए चलिए, वो दे नहीं रहे, वो मैं दे रहा हूँ उनको, ठीक है। चलिए जी, सवाल आपका हो गया, आपने सवाल रख दिया, मैं शेयर कर रहा हूँ। जी आप शेयर करें अपना जो भी स्लाइड शेयर करना। जी मैं टाइमर स्टार्ट कर दे रहा हूँ। जैद भाई चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आप मेरी स्लाइड देख सकते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ दिख रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कुरान में सूरा 7 वर्स नंबर 157 में आता है, अल्लाह ने फरमाया अल्लदीना यत्तबीउन रसूल नबी उम्मी, वो लोग जो पैरवी करते हैं रसूल की जो नबी है और उम्मी है, अनलेटर्ड है। अल्लदी यजिदूनहु मक्तूबन, जिनको वो पाते हैं रिटन, उनके बारे में बात लिखी हुई, इंदहुम फित तौरात वल इंजील, जो उनके पास तौरात है और जो इंजील है उसमें वो पाते हैं उनके बारे में लिखा हुआ, उनका जिक्र लिखा हुआ पाते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि तौरात और इंजील में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है, जैसे कि इस आयत में आता है। और इस चीज के बारे में मैं एक मिनट, मैं जस्ट एक खोल देता हूं प्रोफेसीज। जी आप ये सिमिलरली सूरह सफ सूरह 61 वर्स नंबर 6 में देख सकते हैं कि वैद काला ईसा इब्न मरियमा, जब ईसा इब्न मरियम ने कहा या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं अल्लाह का रसूल तुम्हारे लिए, मुसद्दिकल लिमा बैन यदै मिन तौराती, जो मैं तस्दीक करता हूँ मुझसे पहले जो तौरात गुजर चुकी है उसको, मैं उसकी जो बातें उसको तस्दीक करता हूँ, उसके अंदर से अप्रूव करता हूँ। वो मुबश्शिरन बि रसूलि याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मेरे बाद एक रसूल की खुशखबरी देता हूँ जिसका नाम अहमद है, और अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और नाम है। तो हम ये देखते हैं कि दोनों आयतों में ये जिक्र है कि पिछली नबियों ने पेशेंगोई की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और ईसा अलैहिस्सलाम ये बात कह रहे हैं उस वक्त पर कि जो तौरात और इंजील है उसके अंदर, जो तौरात और इंजील है उसके बारे में क्या कहा, इसके अंदर जो इंजील, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने बात कही कि मिन बादी, मेरे बाद एक रसूल आएंगे, इस्मुहु अहमद। चलिए अब हम देखते हैं कि आज की बाइबल जो हम ये मानते हैं कि ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, जो टाइम के साथ चेंज होती रहती है, और इसके मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं कि बाइबल की किताबों के कैनन्स बदलते गए हैं। अभी भी सेक्ट्स में अलग अलग सेक्ट्स के अलग अलग कैनन्स हैं, मतलब कौन 66 बुक्स को मानता है, कौन 73 बुक्स को मानता है, और उसके अंदर जो अपोक्रिफिकल बुक्स वगैरह सब मानते हैं, और कई सारे इसमें भी डिफरेंसेस है, वो पूरा एक अलग बात है। लेकिन प्रेजेंट डे बाइबल में भी डियोटोनमी चैप्टर 18 वर्स 18 में दिया हुआ है, I will raise them up a prophet from among their brethren. मैं उनमें एक prophet भेजूंगा जो उनके brethren में से, हाँ उनके brethren में से, उनके जो रिश्तेदारों में से, like unto thee, जो आपके जैसा, यानी Moses की book है Deuteronomy, आपके जैसा, मैं अपने अल्फाज and will put my words in his mouth, मैं अपने words को उसके मुंह में डालूंगा, मतलब उनकी मुंह में अपने अल्फाज को डालूंगा, he shall speak unto them all that I shall command him. और वो सारी बातें कहेंगे जो मैं उन्हें हुक्म दूंगा। तो आप अगर ये डिस्क्रिप्शन को देखेंगे तो ब्रेदरिन, भाइयों में से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे इस्माइल और इसहाक, और अरब्स और इजराइल,
ये आप देख सकते हो अरब जो इसराइल, तो इनके जो ब्रदरन रिश्तेदारों में कौन है, जो बनू इस्माइल यानी कि अरब उनके रिश्तेदारों में से है। हाँ, और दूसरी चीज क्या देख रहे हैं आप कि कुछ लोग ये कहते हैं ये जीसस क्राइस्ट के बारे में पेशन गोई है, लेकिन जीसस क्राइस्ट के बारे में नहीं हो सकती। इसके कई रीजंस है कि आप ये देख सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट उनके हिसाब से, ईसाइयों के हिसाब से गॉड है और मोसेस गॉड नहीं थे, उनके हिसाब से के लोगों के गुनाहों के लिए मरे, मोसेस नहीं मरे उनके लोगों के गुनाहों के लिए, और बाइबल के अंदर ये भी दिया हुआ है कि वो हेल के अंदर 3 दिन के लिए गए थे। जीसस क्राइस्ट हेल में उनको 3 दिन तक के लिए गए थे, मोसेस इसका इस तरह से नहीं गए थे। और 8 और चीजें हैं कि वो जीसस क्राइस्ट की तरह नहीं है बल्कि मोहम्मद सलासम की तरह है। मोहम्मद सलासम के फादर मदर थे, जीसस क्राइस्ट के मिराकुलस बर्थ थी, मोहम्मद सलासम की नॉर्मल बर्थ थी, मूसा अलैहिस्सलाम की नॉर्मल बर्थ थी, दोनों ने मैरिजेस की, जीसस के पैगाम को लोगों ने रिजेक्ट किया, मोहम्मद सलासम और मूसा दोनों के पैगाम को एक्सेप्ट किया, दोनों को वर्ल्डली किंगडम हुआ, जीसस का वर्ल्डली किंगडम नहीं है बोलते हैं, दोनों ने न्यू लॉज लाए मोसेस और मोहम्मद सलासम ने, जीसस क्राइस्ट ने न्यू लॉज नहीं लाए, दोनों की नॉर्मल डेथ थी, जीसस क्राइस्ट की नॉर्मल डेथ नहीं, उनको रेज अप अलाइव हुआ, क्रिश्चियंस के हिसाब से वो क्रॉस पे मौत हुई, और हेवनली अबोर्ड के बारे में जो हम मानते हैं कि वो अभी वो आसमानों में है, आएंगे वो मौत से कयामत से पहले। तो ये देखते हैं पेशन कोई मोहम्मद सलासम पे परफेक्ट मैच हो रही है, और जो वर्ड देखोगे पुटिंग माय वर्ड्स इन हिज माउथ, तो ये चीज भी आपको पूरी तरह से मिलेगी, जो मोहम्मद सलासम पे गार है हीरा में कहा गया इकरा, और उन्होंने कहा मा अना बिकारीन, और किस तरह से उनके मुंह में वो अल्फाज डाले गए, परफेक्टली मैच होता है, और जो मैं कहूंगा जो मैं हुक्म दूंगा वो कहेंगे, तो ये चीज भी परफेक्ट मैच होती है। और ड्यूटरोनमी चैप्टर 18 वर्स 19 में आता है, and shall pass that whoever will not hearken unto my words which he shall speak in my name I will require it of him, jo alfaz wo mere naam mein kahenge jo wo baaton ko nahi manenge main unki girift karunga, to in my name aap khol ke dekh lo in my name kaun si kitab hai duniya mein bismillah se shuru hone wali kaun si kitab hai in the name of allah in the name of god kaun hai, to quran hai jo har surah except for the bab aapka time lagbhag pura ho gaya tha। To samir aur siddharth sahab आप अब अपना, मैं मेरी पीपीटी शेयर करूंगा, मैं मेरी पीपीटी शेयर करूंगा। जी 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 जरूर। बाइबल की डिटॉर्मी 1818 और 1819 कोट किया जी, उर्दू में शेयर कर रहे हैं? जी जी जी, सबसे पहली बात जो मैं मोहतरम दोस्त ने बात करते हुए कहा है कि उनके अपनी वर्स उनके अपनी बुक के अंदर जो है उम्मी नबी का जिक्र है, तो ये मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 11। ठीक है जनाब, इस पर जो है इन्होंने दावा किया है कि उम्मी नबी का जिक्र है उनकी किताबों के अंदर, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि इन्होंने पीपीटी के अंदर जो रेफरेंसेस दिखाए हैं मैं चाहता हूं कि ये ओरिजिनल बाइबल खोल करके मुझे वहां से पढ़कर बताएं, इज़ाया बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 11 के उम्मे नबी का जिक्र कहां किया जा रहा है, प्लीज ओपन ओरिजिनल बाइबल, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपकी मदद के लिए खोल सकता हूं, क्या नहीं? नहीं मतलब आप बाइबल खोलना चाह रहे क्या? मैं चाहता हूं, इन्होंने कहा था कि ओरिजिनल रेफरेंस सामने रख के बात होगी। हाँ हाँ ठीक है, इन्होंने डिटॉर्मी 1818 चलाया, आपने इज़ाया बोल दिया वो करेक्ट कर दे रहे थे, डिटॉर्मी 1818 इन्होंने चलाया उर्दू में, इज़ाया उर्दू में, इज़ाया उर्दू में नहीं बोला जाता है, डिट्रॉनमी को व्यवस्था विवरण बोला जाता है हिंदी में, और उर्दू में कुछ और बोला जाता है, इज़ाया दूसरा बुक है। अब मैंने इज़ाया कोट ही नहीं किया तो आप इज़ाया की एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? अगर मैं कोट किया होता मैं उम्मी नबी के बारे में, मैं उम्मी नबी के बारे में बात कर रहा हूं आपसे, उम्मी नबी के बारे में बताएं मुझे प्लीज। ये दूसरा 7157 जो है ना, 7157 जो है ना, जिसके बारे में आपने कहा है कि उम्मी नबी का जिक्र जो है वो तो तौरात इंजील के अंदर है, तो आप उसके बारे में मुझे बताएं वो उम्मी नबी का जिक्र कहां मौजूद है? ये क्लेम हो गया। आपको और बोलना कुछ समीर साहब, समीर उर्फ सिद्धार्थ साहब? मैं आगे तब बढ़ूंगा जब ये
ओरिजिनल खोलेंगे, ओरिजिनल पे बात नहीं, क्योंकि इन्होंने ड्यूट्रॉनमी कोट किया, आप कुछ और वर्स कोट कर रहे, इसलिए जहां से इन्होंने कोट किया वहीं से खोल करके इन्हें पढ़ने के लिए बोले। 18:18 खोल रहे हैं आप, 18:18 खोल करके उसको पढ़े प्लीज। अच्छा 18:18 ठीक है, ड्यूट्रॉनमी 18:18 चैप्टर 18। आप अपना 5 मिनट देना, 5 मिनट आप अपना स्किप करना चाह रहे हैं, ठीक है। बस मैं इनसे मुतालबा कर लिया कि वो उसे खोल करके वहां से पढ़े, मैं वहीं से सवाल करूंगा इनसे, ठीक है। तो जैद भाई ये बोल रहे कि आप उस मतलब बाइबल खोल करके आप 1818 आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, अगर आप बोलिएगा तो मैं चला दूं जो भी। जी मैं खोल रहा हूँ, एक मिनट। हाँ जी जी, तो जेनेसिस के अंदर चैप्टर 18 जेनेसिस नहीं डिट्रॉनमी में, हाँ सॉरी ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 18 जी, ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 18 वर्स 18 जी जी। और हमारे समीर भाई जा रहे थे अइज़ाया पे, जबकि मैंने कोट ही नहीं किया अइज़ाया और फिर रुक गए, तो अच्छी बात है। चलिए 18:18 में खोल रहा हूँ यहाँ पे, ये टॉपिक है ना, अगर मैं कोई क्रिश्चियनिटी पे डिबेट के अंदर बोलता बताता ना तो और मजा आता था, लेकिन आपके साथ बताने में मुझे ये बताना है बाइबल का। चलो बताएंगे, देखेंगे। खोल दिया है आपके सामने, ओपन है और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ये प्रोफेसी है, पेशन गोई है। हाँ, और यहाँ पे क्या दिया है, आई विल रेज देम अप अ प्रोफेट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा 15 से पढ़े जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा 15 से पढ़े वर्स नंबर। समीर भाई आप यदि इंटरप्ट नहीं कर सकते, आपको रूल शायद याद होगा कि इंटरप्ट नहीं करना, आपने 5 मिनट अपना दे दिया जी भाई, जी क्या बताते हो, द लॉर्ड दाई गॉड विल रेज अप अनटू दी अ प्रोफेट फ्रॉम द मिड्स ऑफ दी ऑफ दाई ब्रदरिन लाइक अनटू मी, अनटू हिम यू शैल हाकिन अकॉर्डिंग टू ऑल दैट थाउ डिजायर्ड ऑफ द लॉर्ड thy God in Horeb, in the day of assembly, saying, Let me not hear again the voice of the Lord my God, neither let me see this great fire any more, that I die not. And the Lord said unto me, They have well spoken that which they have spoken, and I will raise them up a prophet from among their brethren, like unto thee, and I will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command them. And it shall come to pass that whoever will not hearken unto my words, which I shall speak in my name, I will require it of him. Ji, bully. ओके okay. ये जो आपकी प्रोफेसीज है ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में, ऐसा आपका क्लेम है राइट? हाँ, मैंने कई प्रूफ्स दिए उसके। ओके ठीक है, जिस तरीके से हम आपकी जब कोई वर्स कोट करते हैं और हम उस पर कोई दावा करते हैं, तो हम आपके अपने स्कॉलर की कमेंट्रीज उसके ऊपर दिखाते हैं और उसकी कमेंट्रीज से बताते हैं किसके बारे में। आप किसी भी एक स्कॉलर की कमेंट्रीज खोल करके मुझे दिखाइए कि ये एक्चुअली मोहम्मद के बारे में। ओपन, ऑब्वियस बात है कि अगर कोई क्रिश्चियन ये बात को मान लेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में प्रोफेसी है, तो वो मुस्लिम हो जाएगा। और जब तक ये बात आई नहीं थी, जब तक अल्लाह के रसूल आए नहीं थे, ये बात तब आई थी। सुनो, बात कंप्लीट होने दो ना, मेरी बात कंप्लीट होने दो फिर बोलो। तो यहाँ पे बात ये है कि अगर कोई कहता है ये प्रोफेसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं है, तो किसके बारे में है? तो मैंने आपको उसका आंसर आपके बोलने से पहले ही दे दिया कि क्या बोलते हैं लोग, ये जीसस क्राइस्ट के बारे में है। और लाइक अन टू दी, ये जो बात दी गई है ना, लाइक अन टू दी, लाइक मोसेस, ये बात जीसस क्राइस्ट पे फिट क्यों नहीं बैठती है? मैंने उसके पूरे रीजंस आपके सामने रख दिए, आपके बोलने से पहले ही दे दिया, क्योंकि मैं एस्टिमेट कर रहा था कि कोई ऑब्जेक्शन ले उससे पहले उसका जवाब दे दिया जाए। तो अभी मैं वो चीज रिपीट नहीं कर रहा हूं। यहां पे बात यह है कि ये मोहम्मद सलासम के बारे में फिट हो रही है, कई रीजंस है कि एक तो वो प्रॉफिट हो, गॉड नहीं हो, जीसस क्राइस्ट के बारे में क्लेम है कि गॉड है वो प्रॉफिट हो, प्रॉफिट का क्लेम करने वाले कौन है, मोहम्मद सलासम है, और अमंग देयर ब्रदरन में फिट हो रहा है, लाइक अन टू दी में तीसरा प्रूफ मिल रहा है, I shall put my words in his mouth के लिए चौथा प्रूफ मिल रहा है, he shall speak unto them all that I shall command him, ये पांचवा प्रूफ मिल रहा है, और whoever words that he will speak in my name, ये छठा प्रूफ मिल रहा है, छह क्लियर प्रूफ्स है। अब आप कह रहे हो कि मोहम्मद सलासम के बारे में नहीं है, या कोई क्रिश्चियन भी ये बात बोलता, तो हम ये पूछते हैं कि आपके पास क्या प्रूफ है, वर्ड्स आपके सामने आपकी बाइबल में से है, इसके अंदर आपके पास क्या प्रूफ है कि मोहम्मद सलासम के अलावा किसी और के बारे में है? ओके, मुझे प्रूफ करना है, इसको हटा दे, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये आपके सामने मौजूद है और इसको आप पढ़िए, इसके वर्स नंबर 22 जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चुनाचे मूसा ने कहा, जो है ना आप खुद ही पढ़े अपनी बातें, मैं पढ़ रहा हूँ जी, मैं ही पढ़ रहा हूँ, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो जनाब मैं ही पढ़ रहा हूँ, आपने सिर्फ सुनना है गौर और फिक्र के साथ।
यहाँ पे लिखा हुआ है, चुनाचे मूसा ने कहा कि खुदावंद खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहेगा उसको सुनना और पूरे और यूं होगा कि जो शख्स उस नबी की ना सुनेगा वो उम्मत में से निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ये मूसा से कहा जा रहा है कि अल्लाह तुम्हारे भाइयों में से यानी बनी इसराइल में से, मूसा के भाई कौन है, बनी इसराइल, यानी बनी इसराइल में से एक नबी पैदा करेगा। आप मुझे ये प्रूव कीजिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है वो बनी इसराइल में से हैं, प्रूव मी। वो मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। तो अब यहां पे सवाल क्या है कि मैं ये चीज आपके बोलने से पहले ही बता दिया था, मैंने कहा ना जो सवाल आप बाद में पूछोगे ना मैं उसके पहले ही जवाब दे चुका हूं। भाइयों में से मैं साबित कर चुका हूं कि अरब और इसराइल दोनों भाई हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के थ्रू, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के थ्रू दोनों भाई हैं। और मैंने डायग्राम बना करके बताया था कि कभी कहीं भी बात याद नहीं रहती, देखा हुआ डायग्राम याद रह जाता है, तो वो डायग्राम में मैंने बताया था कि वो भाइयों में से है। तो आप बताइए कि कैसे भाइयों में से नहीं है, और यहां तक के लोगों को भाई कहेंगे, वहां तक का भाई नहीं कहेंगे, बनी इसराइल के बाहर को भाई नहीं बोलेंगे, हालांकि वो सेम इब्राहिम की फैमिली में से है, दोनों इब्राहिम इस्लाम की फैमिली में से है, और वो भाई नहीं है। आप ये साबित करो कैसे वो भाई नहीं है, अभी क्या एजेंडा है? ओके ओके, मैं बताता हूं कैसे भाई नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, उसके बाद मैं वहां जाऊंगा, एक सेकंड इसको मैं हटाऊं और आपको मैं पीपीटी शेयर करूंगा अपनी, कैसे भाई नहीं है मैं आपको बताता हूं। इसका जवाब बाद में दूं, पहले आपको जो पिछला क्लेम था उस पर जवाब दे देता हूं, फिर इसका जवाब देता हूं, ठीक है सर? उस पे बाद में जाएंगे। टाइम हटा दीजिए, अभी मुझे खोलने दीजिए, जब मैं खोल लूंगा ना तब टाइम लगाइएगा। मुझे लगा आपने खोल लिया इसलिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो भाई नहीं थे इसराइल और अरब, ये समीर साहब को साबित करना जो पूरी दुनिया मानती है। जी जी बिल्कुल, तभी अभी साबित कर देते हैं, दो सेकंड। मतलब अरब और इसराइल भाई नहीं है, ये आप साबित कर रहे हैं। अरे भाई आप खामोश रहेंगे ताकि मैं अपने टॉपिक रखो, मैं एज अ मॉडरेटर मॉडरेट कर सकता हूं ना, मैं खामोश ही हूं, मैं इतना देर से खामोश था। मैं आप एज अ मॉडरेटर सिर्फ टाइम देते हो, प्लीज टाइम लगाएं टाइम लगा चुका था, आपका स्लाइड नहीं चल रहा था। चलिए अब स्लाइड चल रहा। ओके, यहां पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है, ये X322 यहां पे क्या लिखा हुआ है आप पढ़िएगा। यहां पे लिखा हुआ है, फॉर मोसेस ट्रूली सेड एंड टू द फादर्स Better for Moses indeed said the word being one of the common conjunction and not the adverb which is mean truthfully the appeal is made for the Moses in his twofold character as lawgiver and prophet as the word stand taken with their context they seems to point the appear of a succession of true prophets as constructed with the diviners of Deuteronomy 18:14 and even with Saint Peter's interpretation before us we may well admit those prophets as primary and material fulfillment of them but the words had neutrally fixed the minds of the men and the coming of some of one great prophet who should excel all others and we find traces that explanation of question put of the baptist art thou the prophet John 1:25 none that come between Moses and Jesus had been like unto the former as marking a new epoch the channel of new revelation the giver of a new law in all things whatsoever he shall say unto you the words you inserted by Saint Peter as
parenthesis and actual quotation and suggested the thought as a quotation from memory. Definitely यहाँ पे साबित हो रहा है कि वो जो आप prophecy है वो जीसस के बारे में है. इसमें मजीद समीर साहब इसका आप ट्रांसलेट कर दे क्योंकि डिबेट हिंदी में है तो आप इसको ट्रांसलेट कर दे. आपने भी इंग्लिश पढ़ा लेकिन डिबेट क्योंकि उर्दू हिंदी में था, रूल नंबर 3 है ये, तो आप इसको ट्रांसलेट कर दे जितना भी आपने पढ़ा. ओके ठीक है, मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूं, नो प्रॉब्लम. ये लीजिए, मैं इसको कितना वर्स नंबर कितना एक्ट्स का कितना चैप्टर ये है. जी जी, एक्ट का कितना चैप्टर नंबर और वर्स नंबर है? 3 का 22. हां चलिए ये लीजिए, मैं ट्रांसलेटर पे जाके इसको, टाइम रोक दीजिएगा मेरा जब तक मैं खोल रहा हूं क्योंकि आपकी गुजारिश है, मतलब आपको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी. चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं भाई, मैं आपको बता रहा हूं. आपने अभी पढ़ा तो मुझे लगा कि आपको पूरा आता होगा इंग्लिश, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है ना. चलिए चलिए, क्योंकि गूगल बहुत बार गलत भी ट्रांसलेट कर देता है, उसका ध्यान दे दीजिएगा. चलिए आपने मेरा टाइम रोका नहीं है, मेरा टाइम वहीं से आप स्टार्ट करें दोबारा. ठीक है, मैं शेयर कर, मतलब कि क्यों मैं आपका टाइम रोकूं? आपने कुछ क्लेम किया, आपको उसको ट्रांसलेट करना है, आपने, मैं टाइम क्यों मतलब आपने मतलब किया है ना, ये रूल था, मुझे आपको रूल बताना होगा. नो प्रॉब्लम, कर दीजिए. रूल था तो टाइम रोक करके बताएंगे कि टाइम चलते में रूल बताएंगे मुझे. नो प्रॉब्लम, लेट्स नॉट आर्ग्यू. हां चलिए चलिए, हां 3.5 मिनट का टाइम दीजिए मुझे. 3 मिनट का दे रहा हूं और 3:30 में हो जाएगा उसी में, क्योंकि मूसा ने वास्तव में पिता से कहा था. बेहतर, मूसा ने वास्तव में कहा, यह शब्द सामान्य संजनों में से एक है, ना कि क्रिया विश्लेषण जिसका अर्थ है सच्चाई से. व्यवस्था देने वालों को भविष्य वक्ता यानी के प्रोफेसर करने वालों के रूप में अपने दोहरे चरित्र में मूसा से अपील की जाती है. जैसा कि शब्द खड़े हैं उनके संदर्भ के साथ लिया गया है, वे सच्चे नबियों के उत्तराधिकारी को उपस्थिति को इशारा करते हैं. जैसा कि व्यवस्था विवरण 18:14 डेटोनोमी और हमारे सामने सेंट पीटर की व्याख्या के साथ भी, हम उन पैगंबरों को उनकी प्राथमिक और आंशिक पूर्ति के रूप में अच्छी तरह से स्वीकार कर सकते हैं. लेकिन शब्दों ने स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में किसी महान भविष्यवक्ता के आने पर स्थिर कर दिया था, जिसे अन्य सभी ने श्रेष्ठ होना चाहिए. हम बैप्टिस्ट से पूछे गए प्रश्न में उसकी अपेक्षा के निशान पाते हैं कि आप भविष्यवक्ता हैं. यूहन्ना 1:21, यूहन्ना 1:25, कोई भी जो मूसा और यीशु के बीच आया था वह पहले के समान नहीं था. एक नए युग को चिन्हित के रूप में नए प्रकाशन का माध्यम, एक नई व्यवस्था को देने वाला, सभी चीजों में कुछ भी आपसे कहेगा. शब्द सेंट पीटर द्वारा वास्तविक उद्धरण में कोष्टक के रूप में डाले गए और स्मृति में उद्धरण के विचार का सुझाव देते हैं. तो बेसिकली इट वाज अबाउट जीसस, नॉट अबाउट मोहम्मद, अकॉर्डिंग टू कमेंट्री ऑफ अर्ली स्कॉलर्स ऑफ बाइबल. तो ये अब आप मतलब कि जैद भाई को दे रिटर्न अपना. मैंने बात कंप्लीट कर ली, मैंने प्रूफ किया है कि वो मोहम्मद के बारे में नहीं, आपने बोला था 3.5 मिनट दे, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि फिर आप बाद में क्लेम ना कर दे. तो ये आपने बोला मतलब कि लोगों को समझ में आया ऐसा कि वो जीसस क्राइस्ट के बारे में. अब चलिए आप जैद भाई की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि इनका क्लेम है कि वो बोल रहे हैं कि ये जीसस क्राइस्ट के बारे में, जबकि ये मैं बता रहा हूँ. एक मिनट में अपनी पावर पॉइंट स्टार्ट कर दूं. जी जी, जब आप स्टार्ट कीजिएगा तब मैं आपके टाइमर को ये कर दूंगा. अच्छा, मेरा एक सवाल बाकी है, वो मैं अगली बारी में दूंगा. आपने पूछा था कि वो क्यों बनी इसराइल में से नहीं, उसका जवाब आपने टाइम अपना दे दिया. जी जी, आपने अभी टाइम दे करके फिर आप वापस, अभी पूछा नहीं, कोई बात नहीं, वो अगली बारी में. ठीक है, एक मिनट होल्ड करें. देखिए, जब आप ये सर्च करते हैं हागर, हैगर के बारे में, जो हाजरा है, तो इसमें जेनेसिस चैप्टर 16 वर्स 1 इसके अंदर दिया है एब्राहम्स कॉन्क्यूबाइन एंड द मदर ऑफ इस्माइल, मदर ऑफ इस्माइल. तो यानी मैं आपको जीनियोलॉजी वो साबित कर रहा हूं कि एब्राहम से कनेक्टेड है, जो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बात है कि अरब्स और इसराइल अपने रिश्तेदार है. हाँ, अपने रिश्तेदार है, जो एक्सेप्टेड बात है, मैं उसको साबित कर रहा हूँ. एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का हवाला है हाजरा के बारे में. सेकेंड चीज जो मैं आपको दे रहा हूं इस बात के ताल्लुक से, एक मिनट में पावर पॉइंट लोड कर लेता हूं.
रनिंग क्लॉक में करिए, नो प्रॉब्लम, मैं अपने टाइम से ज्यादा नहीं लूंगा जी। अच्छा भैया, मैं टाइम से ज्यादा, हां जी जी। ये है हाजरा के बारे में, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये सारा के बारे में है। सारा द वाइफ ऑफ इब्राहिम, इब्राहिम द मदर ऑफ आइजैक। तो ये सारा के बारे में जेनेसिस 17:16 से आया, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का हवाला है। जेनेसिस 16:11 से 16:1-16 से आया, किसके बारे में? हाजरा के बारे में। स्टडी नोट्स, बाइबल की स्टडी नोट्स में आप देख सकते हैं कि स्टडी नोट्स के अंदर क्या दिया हुआ है, जॉन 1:45 की तरफ इशारा दिया गया है, जॉन 1:45 की तरफ इशारा किया गया है। तो जीसस खुद बोल रहे हैं, हाँ, वो अपने आप को क्लेम नहीं कर रहे हैं कि वो हैं जो जो प्रॉफिट लाइक मोसेस, वो भी आप देख सकते हैं, प्रॉफिट लाइक मोसेस है वो, नहीं वो भी आप देख सकते हैं। मैं उसको अपनी इसमें स्क्रीन पे लाने की कोशिश करता हूँ, लेट्स होप द टाइम विल बी देयर। तो ये बात है, ओके तो उनसे पूछा गया, जीसस से पूछा गया, मैं अभी यहां से पढ़ रहा हूं, मेरे पास जो बाइबल खुली है उसमें से पढ़ रहा हूं। उनसे पूछा गया, आर यू, क्या क्या तुम हो, द आर यू द प्रॉफिट, हाँ आर यू द प्रॉफिट। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा, ये वर्स नंबर 21 है, हाँ वर्स नंबर 21 है, जॉन चैप्टर 1 का वर्स नंबर 21। तो आप इसके अंदर देख रहे हैं, जो उनको जीसस को क्लियर पूछा गया, आर यू द प्रॉफिट, तो जीसस का क्या जवाब था? जीसस क्राइस्ट का जवाब ये था कि मैं पढ़ रहा हूं, एंड ही आंसर्ड नो, ही आंसर्ड नो। तो आप ये देखिए कि जीसस क्राइस्ट ने खुद कहा है कि मैं प्रॉफिट नहीं हूं। अब आप यहां पे एक थर्ड पर्सन जिनका कोई कनेक्शन नहीं ना जीसस क्राइस्ट से है, ना आपका कनेक्शन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और आप सिर्फ अपने एजेंडा के हिसाब से टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, और भी डिस्कस करिए, मेरे पास और भी प्रूफ है, प्रोफेसीज, अभी टाइम मेरा बाकी है, चलो मैं आपको और प्रोफेसीज बताता हूँ बाइबल से, ताकि हो सकता है कोई ना कोई बात होपफुली समझ में आ जाएगी इस टॉपिक पर। एक एक पे चले हम लोग, अगर आप बुरा ना माने तो, एक एक पे नहीं, वो टॉपिक पे ही चल रहे, एक एक नहीं समीर जी, वो टॉपिक पे ही चल रहे, वो अपना टाइम नहीं दे रहे। मैं आपने ओवर कौन बची है, तो मैं प्रेजेंट कर देता हूं, आप देख लीजिए। हाँ, आप प्रेजेंट कर दे बाइबल्स, ठीक है। तो ये देखिए, इसके अंदर हम देखते हैं ड्यूटरोनमी चैप्टर 18:18-19 की बात हो गई है, जॉन चैप्टर 14:16 में आता है कि जीसस क्राइस्ट, अब न्यू टेस्टामेंट में हम आ गए, वो कह रहे हैं आई विल प्रे द फादर एंड ही शैल गिव यू अनदर कंफर्टर, वो तुम्हें एक और कंफर्टर देंगे, हाँ एक और कंफर्टर देंगे, जो सहाथक, नीचे हिंदी ट्रांसलेशन दिया हुआ है सहाथक, मतलब एक और कंफर्टर देंगे, एंड ही मे अबाइड विथ यू फॉर एवर, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है ना वो फॉर एवर है, कयामत तक के लिए है, ही मे अबाइड विथ यू फॉर एवर, बट वेन द कंफर्टर इज कम, चैप्टर 15:26 के अंदर फर्दर कंफर्टर की और डिटेल्स कहां मिल रही है, बट वेन द कंफर्टर इज कम, जब वो कंफर्टर आएगा, Whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of Truth, जो even the Spirit of Truth, तो which shall proceed from the Father, he shall testify of me, वो मेरे बारे में गवाही देंगे। तो आप देख रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जीसस क्राइस्ट के बारे में बताया, ईसा इस्लाम के बारे में बताया, और अगर आप देखोगे चैप्टर 16:17 में और डिटेल्स है, जॉन Nevertheless I tell you the truth, मैं सच तुम्हें बता रहा हूं, It is expedient for you that I go away. ये लाजिम है तुम्हारे लिए कि मैं चले जाऊं. For if I go not away, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगा, the comforter will not come unto you. तो तब तक comforter आएगा नहीं. मैं नहीं जाऊंगा तो comforter नहीं आएगा. But if I depart, I will send him unto you. अगर मैं नहीं जाऊंगा तब मैं भेजूंगा. अब हम देखते हैं कि बास चीजें जो comforter के बारे में है, वो बात हम clearly मानते हैं. लेकिन Bible का full के full Bible क्या हम मानते हैं? हम नहीं मानते हैं. हम ये मानते हैं Bible जो आज है, ये ईसा अलैहिस्सलाम को जो इंजील दी गई थी, corrupted हो चुकी है, इंसानों के हाथों से एडिशंस हो चुके हैं, लेकिन इस करप्टेड बाइबल में भी कुछ ऐसी निशानियां हैं कि एक सीकर ऑफ ट्रूथ को वहां पे कुछ इशारा मिलेगा, हम वो कुछ निशानियों को मानते हैं। अब यहां पे क्रिश्चियंस क्या कहते हैं कि ये कंफर्टर से मुराद होली स्पिरिट है, लेकिन अगर होली स्पिरिट है तो यहां ऊपर देखिए 16:7 में जिसमें दिया हुआ, अगर मैं जाऊंगा तो मैं कंफर्टर को भेजूंगा, तो होली स्पिरिट तो पहले से मौजूद थे, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से पहले से मौजूद थे, जीसस क्राइस्ट के पहले भी, उनके जमाने में भी। लुक चैप्टर 1:15 में क्या दिया है, इन द वूम ऑफ जॉन, विद जॉन इन द वूम ऑफ हिज मदर, जॉन के साथ उनकी माँ के वूम में, विद एलिजाबेथ, एलिजाबेथ के साथ, एंड विद जीसस व्हेन ही सेड आई कास्ट आउट द स्पिरिट्स बाय द, आई कास्ट आउट द डेविल्स बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं डेविल्स को गॉड के स्पिरिट के साथ उनके उनके जरिए निकालता हूं। तो ये यहां पे प्रूफ मिलता है कि कंफर्टर यानी होली स्पिरिट अगर कोई कहेगा तो होली स्पिरिट तो पहले से थे, यहां जो कंफर्टर की बात हो रही है वो आएंगे, आएंगे।
अब यहां पर ये स्पिरिट ऑफ ट्रुथ जो है इनके बारे में और भी डिटेल्स आप देख सकते हो यहां पे दी हुई है, और आप देख रहे हो कि जो लोग कहते हैं कि स्पिरिट कोई आदमी कैसे हो सकता है स्पिरिट वर्ड, तो नहीं, स्पिरिट प्रॉफिट्स के लिए भी यूज होता है। और आप देख रहे हो क्योंकि यहां दिया हुआ है बिलव्ड बिलीव नॉट एवरी स्पिरिट बट ट्राई द स्पिरिट्स विद द दया ऑफ गॉड बिकॉज मेनी फॉल्स प्रॉफिट्स आर गॉन आउट इनटू द वर्ल्ड, कि कई फेक प्रॉफिट्स है जो दुनिया में आए हैं तो स्पिरिट्स को टेस्ट करो। तो यहां पे पता चलता है कि इंसान के लिए भी वर्ड स्पिरिट आ सकता है। जैद भाई, आपने जो प्रोफेसीज को सारा डील कर दिया है ना, 16 का 7 जॉन, 16 का 12, 13, 14। चलिए अब हम समीर साहब की तरफ चलते हैं, उर्स समीर उर्स सिद्धार्थ साहब की तरफ, वो अब आंसर देंगे कि जॉन 1:21 में जीसस क्राइस्ट बोल रहे कि वो प्रॉफिट नहीं है, अब आप इस पे क्या बोलेंगे? ओके, मैं उस पर बाद में बोलूंगा, पहले मैं इनसे मुताबा करना चाहता हूँ जैद साहब से। जैद साहब ने अभी 61 के 6 कोट करते हुए ये बात बताया है कि जीसस ने पेशन गोई की थी कि मेरे बाद जो है ना एक नबी आएगा और जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक वो नहीं आएगा, तो मेरे जाना उसके लिए जरूरी है, उसके आने के लिए, और वो तुम्हें खबरें सुनाएगा। इसके ताल्लुक से उन्होंने बात करते हुए ये कहा है कि वो मोहम्मद की बशारत दे रहे हैं और उसका नाम अहमद बता रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जीसस ने ये बशारत कहां दी है जहां उन्होंने बताया है कि उसका नाम अहमद होगा? प्लीज शो मी, फिर आगे से बात करते हैं। मतलब अब फिर से आप टाइम खत्म करें, आंसर ना देके आप फिर अपना टाइम देना चाह रहे, ठीक है? मतलब आप आंसर नहीं देना चाहते जैद भाई, ये मतलब एक अलग क्लेम की तरफ फिर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, लेट दैट स्टॉप, सो आई विल आंसर बट लेट दैट स्टॉप शो। तो जैद भाई को भी ठीक है, जैद भाई अब आप क्या कहना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने आंसर नहीं दिया जॉन 121 का? जी मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूं। जी तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो वर्ड्स को कोट कर रहे हैं ना, वो वर्ड्स को पढ़ते हैं कि वइज قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل, जब कहा عيسى ابن مريم ने, ए बनी इसराइल, कहा तब की बात हो रही है, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं अल्लाह का रसूल हूं तुम्हारे लिए। अब उन्होंने ये बातें बताई और फिर उसके अंदर आगे बताया कि व मुबशिरन बि रसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं खुशखबरी देता हूं एक रसूल की मेरे बाद जो आने वाला है उसका नाम होगा अहमद। तो यहां पे क्या देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने उस जमाने में कहा, हम मानते हैं कुरान में कि उन्होंने कहा। अब ये कहा दिया है इस आयत में कि अहमद नाम बाइबल में या जो भी उनका स्क्रिप्चर होगा उसके अंदर बाकी रहेगा अहमद, ये आयत में कहा है सूरह 61 वर्स 6 जिसको आप अभी कोट कर रहे हो अहमद नाम से, इसमें कहा दिया है कि अहमद नाम हमेशा के लिए बाकी रहेगा, जो भी चेंज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल होगा उसके अंदर हमेशा बाकी रहेगा, ये कहा दिया है? यहां तो दिया ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा और हम इस बात को मानते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए जवाब क्लियर हुआ। जी तो जैद भाई आपको अपना टाइम अब उनको देना है। जी हाँ जी, चलिए समीर साहब आप let me share now my references, my screen, उसके बाद आप शुरू कीजिए। जॉन का 121 को शेयर कर रहे हैं आप? जो आपके सामने शेयर करूंगा वो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, डोंट वरी, चलिए ओके। और एक सवाल भी रहेगा मेरा अभी आपसे ना, चले टाइमर अभी चला दूं? जी लगाएं टाइमर सर। चलिए टाइमर आपको ऑन कर दिया। देखिए जी, रूल कुद्दूस का वादा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत कर रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। यहां पर दो चीजें समझने की है, जीसस कह रहे हैं कि मैं बाप से यानी कि गॉड से ये गुजारिश करूंगा कि वो तुमको दूसरा मददगार बख्शे जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, यानी कि आखिर तक तुम्हारे साथ रहेगा। क्या मोहम्मद अब तक मौजूद है? नहीं, वो मर चुके हैं। इसके आगे यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे जानते हैं। क्या मोहम्मद को कोई देखता नहीं था? क्या मोहम्मद को कोई जानता नहीं था? यहां पर उसकी बात जिसकी खुशखबरी जीसस दे रहे हैं, ईसा दे रहे हैं, उसको ये कह रहे हैं कि उसको कोई देख नहीं सकता, उसको कोई जानता भी नहीं, और वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा आखिर तक। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, यानी कि वो अब तक तुम्हारे साथ, यानी ना तुम उसे देखते हो और ना उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है,
अब ये किससे कह रहे हैं? जीसस अपने डिसाइपल से कह रहे हैं। मुझे बताएं कि क्या मोहम्मद डिसाइपल के साथ मौजूद थे वहां पर, जो 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 उसको जानते हैं? और तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे अंदर होगा। अब किसी के भी अंदर मोहम्मद को होने के लिए ओमनिसेंट ओमनीप्रेजेंट होना चाहिए, बट मोहम्मद इज नॉट ओमनीप्रेजेंट। अगर आप इसको मददगार, इसको मोहम्मद मानते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपको मोहम्मद को गॉड मानना होगा, अकॉर्डिंग टू जीसस प्रोफेसी। आगे क्या लिखा हुआ है? मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तो मुझे ये बता दे कि क्या आप मोहम्मद को गॉड ओमनीप्रेजेंट मानते हैं? क्या वो अब तक रहेंगे? और क्या वो डिसाइपल के साथ मौजूद थे? और क्या मोहम्मद ऐसे हैं जिसको कोई देख नहीं सकता, जिसको कोई जानता नहीं है? प्लीज आंसर जैद साहब। जी मैंने कहा ना, अब आपके सवाल पूछने से पहले ही मैं आपके सवाल के जवाब दे रहा हूं अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपके सवाल पूछने से पहले ही बता दिया था कि ये जो बाइबल है आज, हम उसे नहीं बिलीव करते। और इस बाइबल में भी एक सीकर ऑफ ट्रुथ को कुछ इशारे मिलेंगे, जो वो प्रोफेसीज जो जीसस क्राइस्ट ने दी, जो पिछली किताबों में मौजूद थी, उसकी रेमनेंट्स आज भी मौजूद है। अब आप क्या कर रहे हैं कि मुझे बता रहे हैं कि देखो ये बाइबल में ये दिया हुआ है, तो आप वो हर चीज को मुझ पे लादने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं क्या बता रहा हूं, हमारी मेथोडोलॉजी क्लियर है इसके अंदर, कि जो चीज कुरान से टकराती है हम उसे नहीं मानते हैं, जो चीज कुरान हदीस से टकराती है प्रीवियस स्क्रिप्चर्स में, हम उसे नहीं मानते हैं। अब मैं आपको ऑब्वियसली उसके अंदर से वो चीज बता रहा हूं जो प्रोफेसी है। आपने जो कहा अब तक रहेंगे, तो अब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है। खातमुन नबीयीन यानी सील ऑफ द प्रॉफिट्स, फाइनल प्रॉफिट है। उनको जो शरीयत दी गई है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको जवाब, कि वो हमेशा के लिए, कयामत तक के लिए। और वो ऐसा नहीं है कि उस जमाने के लिए थे 1400 साल पहले, आज के लिए है, आगे के जमाने, कयामत तक के लिए, अब तक है। तो हम देखते हैं कि वो चीज पूरी तरह से फुलफिल्ड है। और आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए जो मैंने आपको स्क्रीन पे बताया था, 3+8, फिर से बता सकता हूं अगर चाहिए तो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। 3+8 यानी 11 डिससिमिलैरिटीज मैंने बताया, जिसमें जो प्रॉफिट लाइक मोसेस, जो कहा गया है कि मोसेस के जैसे प्रॉफिट, हाँ वो प्रॉफिट जीसस क्राइस्ट नहीं है, मैंने 11 रीजंस बताया था। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो प्रॉफिट है, आप वो देख सकते हो कि मैच होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैच हो रहा है, आप उसको डिबंग नहीं कर सके। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये टॉपिक आपने रेस किया, मैंने प्रोफेसीज बताई, सवाल पूछे, आपने जवाब नहीं दिया। अब ये टॉपिक भी मेरा ये कंक्लूडिंग रिमार्क होगा। अब आप अगर कोई बहुत ही, आप भी कंक्लूडिंग रिमार्क दे दो, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। मैंने बात रख दी, प्रूफ रख दिया, आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया, ठीक है। आई होप कि अभी बात क्लियर हो। अगर लग रहा है तो मैं और राउंड्स के लिए तैयार हूं, 4-5 घंटे इसमें डालना है डाल दो, मैं तैयार हूं। लेकिन एक और मीनिंगफुल डिबेट, जो आपके फेवरेट क्वेश्चंस है, मैं तो वेट कर रहा हूं, कहां है आपके वो सवाल, हां क्या आएंगे वो सवाल? मैं लोगों के सामने और रिसर्च रखूंगा, जो मेरी फेवरेट पावर पॉइंट है उसको खोलूंगा, मौका ही नहीं मिल रहा। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बात को समझ रहे हैं, और अगर आपको बोलना है तो बोलते रहो, चलेगा, मैं भी हूं, फजर तक यही टॉपिक पे रहेंगे। और अगर बात आपको लग रहा है कि मैंने बोल दिया, आपने बोल दिए, तो फिर फिनिश करके आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जाते। चलिए समीर जी, आप मैं ना एक चीज अक्सर देखता हूँ कि हमारे जज साहब जो है ना, जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाते हैं, और बहुत जल्दी जो है चीजों को एकदम, आपका टाइमर ऑन कर दे समीर साहब, आपका टाइमर ऑन कर दे आफ्टर शेयर स्क्रीन, अभी तो मैंने शुरू किया है जज साहब, अब लगाएं सर, ठीक है, टाइमर लगा, अब हम टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जॉन का 121 है, कौन सा? अच्छा नहीं, दूसरा, चलिए ओके। अब हम ये पढ़ते हैं जी, ये क्या लिखा हुआ है, उसी के बारे में है, मददगार के बारे में ही बात हो रही है। और एक सवाल पे आपने और रेज किया है, आपने ये कहा है कि मैं उन चीजों को मानता हूं जो प्रोफेसी के अकॉर्डिंग है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मैं एले चॉइस हूं, मैं बाइबल को मानता नहीं, वो बदल गई, लेकिन फिर भी अपने मतलब की चीजें उसके अंदर से लूंगा। बदलने पे भी बात करेंगे, कब बदली, कैसे बदली, उस पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले 26 मैं दिखा करके अभी आपके साथ चल रहा हूं, आप इसमें मुझे जवाब दीजिएगा। लेकिन जब वो मददगार आएगा, जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, द वर्ड इज जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, अगर ये मोहम्मद है तो आपको बाय डिफॉल्ट ये मानना होगा कि मोहम्मद को जीसस ने भेजा था, एंड जीसस इज द गॉड, जीसस इज द होली गॉड, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद को भेजा है आपके पास, आपको ये मानना होगा अगर आप उसको मोहम्मद मान रहे हैं। दूसरी बात ये है, यानी रूह हक जब बाप से सादिर होता है, जो बाप से सादिर होता है, यहां पर एक चीज और भी है कि वो जो है ना, वो नूर हक, रूह हक है,
जो बाप से सादिर होता है, बाप से निकलता है, तो आपको बाय डिफॉल्ट जो है ना मोहम्मद को गॉड से मानना होगा, और जो गॉड से निकलेगा वो खुद बाय डिफॉल्ट जो है गॉड ही होगा, ओमनीप्रेजेंट होगा, ओमनीसेंट होगा। तो आपको मोहम्मद को गॉड मानना चाहिए, रसूल नहीं, क्योंकि यहाँ रसूल की बात नहीं हो रही है, नबी की बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है गॉड से निकलने वाले रूह हक की। और उसके बाद तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। अब मुझे ये दो सवालों का जवाब दे दिए, क्या आप मानते हैं कि मोहम्मद को जीसस ने भेजा एंड जीसस इज द सुप्रीम लॉर्ड, और क्या आप मानते हैं कि मोहम्मद इज हिमसेल्फ गॉड बिकॉज रूह हक है? प्लीज जैद साहब। जी, आपकी बातें जो है ना कोई क्रिश्चियन के लिए प्रूफ होगी, जो बाइबल को मानता है ना, तो आप उसको कन्विंस कर सकते हैं कि आपको ये मानना है वो मानना है। मेरे लिए बाइबल प्रूफ ही नहीं है। मैं यहां पे क्रिश्चियन के लिए बात कर रहा हूं कि तुम्हारी बाइबल में ये जो कंफर्टर का जिक्र है, मेंशन है, जीसस के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग कि जीसस क्राइस्ट सेंड करेंगे। क्यों मालूम है आपको? जीसस क्राइस्ट के बारे में जो बिलीफ है ना, क्रिश्चियनिटी का क्या बिलीफ है, क्या आपको मालूम भी है क्रिश्चियनिटी का जीसस क्राइस्ट के बारे में क्या बिलीफ है? मैं वो बात बताऊंगा, ऐसी बात जो अगर आप बिलीवर ऑफ जीसस क्राइस्ट हो ना तो आपके पास इस सवाल का आंसर नहीं होगा। लेकिन आप अभी हो नहीं, फिर भी ये सवाल लेके चल रहे हो, मैं लाऊंगा नेक्स्ट राउंड में, वो मैं पावर पॉइंट पुल आउट करता हूं। तो हकीकत क्या है कि कोई क्रिश्चियन के लिए आपकी बात कन्विंसिंग है, मुस्लिम के लिए बिल्कुल नहीं है। आपने कहा पहले चॉइस हो इसमें, तो हाँ हम लोग चूज करते हैं इसके अंदर, जो कुरान से मैच होता है वो हम मानते हैं, और जो कुरान से मैच नहीं होता है ना उसको हम रिजेक्ट करते हैं। तो ये कहना कि जीसस क्राइस्ट ने भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नहीं मानते, हमारे लिए प्रूफ नहीं है। हमारे लिए क्या प्रूफ है? हमारे लिए कुरान प्रूफ है, हदीस प्रूफ है, सही हदीस प्रूफ है। आप वहां पे जाने की जगह बाइबल में लाके आज का डिबेट चला रहे हो, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आपने प्रोफेसी मांगे, मैंने प्रोफेसी बता दिया। एक क्रिश्चियन के लिए क्लियर प्रूफ है यहाँ पे मौजूद, बहुत क्लियर बात है। मैंने डिबंक किया कि वो जीसस क्राइस्ट है, आपने वो बात को साबित नहीं कर सके, मेरे 11 सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। अब वो 11 सवाल का जवाब दो, हाउ इज इट फॉर जीसस, ये प्रोफेसी जीसस क्राइस्ट के लिए कैसे आप साबित करेंगे? मैंने बताया हाउ इट इज फॉर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कैसी है, वही मैं कह रहा हूं कि अब यहाँ पे बात है मौजूद। और आप देख सकते हैं गॉस्पेल ऑफ बारनबास वगैरह में तो जाएंगे ना तो आपको और क्लियर प्रोफेसीज मिलेगी, जो आज जो उनके कैनन में जो क्रिश्चियंस कहते हैं ना, ये हमारी बाइबल के अंदर हमारे कैनन में है, वो भी बात मैं लाऊंगा नेक्स्ट राउंड में। अगर आप ये टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हो, वो भी चीज मैं लेके आता हूं। तो क्रिश्चियंस के लिए आज जो है वो चीज कैनन जो है के अंदर गॉस्पेल ऑफ बारनबास नहीं, उसमें जाओगे तो आपको और भी क्लियर क्लियर प्रोफेसीज मिलेगी। तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि ये प्रोफेसी मैंने बताया आपके यहां तक के सेटिस्फेक्शन के लिए कि क्या वो चीज मौजूद है, मौजूद है और क्लियर मौजूद है, और आप डिबंग नहीं कर सकते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं है। तो आप लाओ इसके अंदर कि क्या चीज है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं है। अदरवाइज यहां पे मैंने अपना कंक्लूडिंग रिमार्क लास्ट टाइम ही दे दिया था, अब फिर से दिया हूं। इसके अंदर बात हो गई हमारी, आपके सवाल का जवाब हो चुका है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़े, फिर भी आपको कंटिन्यू करना है, आई एम रेडी। बहुत बहुत शुक्रिया कंटिन्यू करने के लिए, बिल्कुल मैं कंटिन्यू करूंगा। मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं, अभी थोड़ा सा शायद आप टॉपिक पे आए हैं, चलें आगे बात करते हैं। जो आप बार बार बात कर रहे हैं मुझसे के सवालों के जवाब नहीं दिए, सवालों के जवाब नहीं दिए, मैंने आपके सवालों के जवाब दिए हैं और दूंगा। आपने कहा है कि आप पूरी तरीके से बाइबल को नहीं मानते, कुरान को तो मानते हैं ना सर, तो चले कुरान क्या कहता है इसके बारे में उससे पूछ लेते हैं, कुरान से सर। ठीक है सर, आपका कुरान, कुरान सूरह अल माईदा आयत नंबर 68 तौरात और इंजील को कायम करने का हुक्म देता है। अगर आप चाहें समीर साहब, समीर साहब जी, समीर साहब आयत नहीं चेंज हो रहा है, था रूल्स है, रूल्स टॉपिक नहीं चेंज, ये न्यू टॉपिक, आप एक के दो टॉपिक फिट कर रहे हो, कैसे चेंज, नहीं नहीं कैसे चेंज हो गया, कैसे चेंज हो गया प्रॉपर्टी, आपने ये कहा, आपने अभी बात करते हुए कहा, ओके मेरी बात सुनिए, पेशन गोई पे बात करें, आपने अभी बात करते हुए ये कहा है कि मैं पेशन गोई वाला खत्म हो गया, सुन तो ले, नहीं कैसे खत्म हो गया, मेरी बात आप सुन नहीं रहे हैं, तो मतलब आपको खुद से तय करना है, ये नया टॉपिक है समीर साहब, ये नया किसी से कनेक्ट नहीं हुआ ये टॉपिक, एक मिनट पहले टाइम हटाइए, मैं बताता हूँ ये टॉपिक से रिलेटेड है, मैं बताता हूँ, अरे सर हटाइए ना, ये टाइम हटाइए, अब आप मेरी बात सुनिए, ओके अब सुने मेरी बात को, आपने बात करते हुए अभी ये कहा कि नहीं कहा, क्योंकि वो बदल गया है इसलिए हम उसको कंप्लीटली नहीं मानते, जब मैंने आर्ग्यूमेंट दिया तो आपने ये कहा कि मैं इसको कंप्लीटली नहीं मानता क्योंकि ये बदल गया है, तो मैं अब आपको साबित कर रहा हूं कि वो नहीं बदला है, तो मैं आई एम ऑन टॉपिक, आई एम नॉट आउट ऑफ टॉपिक, आई एम ऑन टॉपिक, क्या नहीं प्रॉफिट नाउ, आप टॉपिक दुनिया के एक टॉपिक से कनेक्ट होके निकल सकते हो, बोलो मुझे कोई भी दुनिया का दो टॉपिक मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूं, कनेक्ट कर सर मेरी बात सुने, मैं
सबसे डिस्टिंक्ट अलग टॉपिक दो, मैं दोनों को कनेक्ट करके बताऊंगा। ऐसे दूर का कनेक्शन जोड़ना है ना, हर टॉपिक कनेक्ट हो जाएगा। एक टॉपिक प्रोफेसी का आपने पूछा, अब बाइबल चेंज हुई नहीं हुई उसका मैं तैयार हूं ना, आप अगले राउंड में पूछना, मैं तैयार हूं। अब आप इसके अंदर यही डोमिनेट करना चाहते हो, मेरी टर्न है अभी सवाल पूछने की, मुझे सवाल पूछने दो, फिर आप अगला सवाल ये लाना। अब आप अगर कोई भी टॉपिक को कनेक्ट करके लाना चाहते हो, आपकी टर्न है, आपकी टर्न है, आपके आपको इतनी घबराहट क्यों है सर साहब, मेरे को समझ नहीं। मुझे घबराहट किसी को नहीं हो रही समीर साहब, घबराहट किसी को नहीं हो रही। टॉपिक अगर आप कनेक्ट करके ब्रेक करना चाहते हो, चले चले मैं आपको, घबराहट किसी को नहीं हो रही समीर साहब, आप टॉपिक पे रहिए, कोई घबराहट किसी कोई दिक्कत नहीं, अभी लग जाएगा पता किसको। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें समीर साहब, या आप प्रोफेसीज में ही रहना चाहेंगे? नेक्स्ट टॉपिक बताइए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरा शायद नेटवर्क इशू कर रहा है। जी जी आपकी आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूं कि मैं अभी बात कर रहा हूं, पता चल रहा है, बात कर रहा हूं टॉपिक के ऊपर, और मैं आपको कुछ शेयर कर रहा हूं, ठीक है, आप वो ध्यान से सुनिएगा बेटा। आपके अपने स्कॉलर का दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, आपके अपने स्कॉलर का। आपको क्या करना है, मतलब कि लेट मी शेयर, रुक जाइए, टाइमर लगाइए, टाइमर आपका 4-3.5 मिनट लगभग हो गया, 4 मिनट। देखिए अभी ये किसी का भी आप वीडियो चलाएगा तो इस तरीके से हम लोग क्या करें समीर साहब, ये वीडियो इस तरीके से हम लोग क्या करें, इस वीडियो का आप खुद बताइए, रूल्स एंड रेगुलेशन को आप मानते हैं? ये आपका वीडियो चल भी नहीं रहा, आपका नेटवर्क इशू कर रहा है, और दूसरा बात कि आप कोई एक बात बताइए मुझे, किसी भी कॉल किसी का मुझे एक बात बताइए, शादाब अहमद भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? आप मुझे एक बात बताइएगा, अभी आ रही है, मैं बात करने दे रहा हूं, बात करने देंगे, कुछ बोलना चाहते हैं ना? व्हाट इज द प्रॉब्लम मैन, प्रोफेसीज पे बोलिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम मैन, मैं प्रोफेसीज पे ही बात कर रहा हूं, मैं प्रोफेसीज पे आपके साथ बात कर रहा हूं और मैं आपको प्रूव कर रहा था, चलिए सुनिए, मैं आपको प्रूव कर रहा था, चलिए आप अपना म्यूट कीजिए शादाब साहब और मेरा 5 मिनट वापस लगाइए। 5 मिनट आपको बाकी नहीं था, 4 मिनट बाकी था, तो आपको 4 मिनट दे दिया जाएगा, प्रोफेसीज पे आपको बोलना है, चलिए 4 मिनट लगा दीजिए और प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। लगा दीजिए, मेरे पास टाइम अभी आया नहीं है, जब आप लगा देंगे बता दीजिएगा। 3 मिनट का लगाया, 1 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे, चलिए थैंक यू। सबसे पहली बात तो यह कि मैं प्रोफेसिस पे ही बात कर रहा हूँ आपके साथ, देखिए जब मैं प्रोफेसिस आपको वहीं से दिखा रहा हूँ जहां से आप क्लेम कर रहे हैं, तो आप उसको मान नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं ये चीजें तो बदल गई हैं, तो मैं आपको ये साबित करने लगा हूं कि वो नहीं बदली हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर मुझसे रेफरेंस लेने में? मैं आपको जो चीज साबित कर रहा हूं, आप मुझे बोलने दें, नहीं आप मुझे बोलने दें, उसके बाद आप अपनी टर्म में मुझे रिफ्यूट कर सकते हैं, आप पहले पहले मेरी बात मुझे कंप्लीट करने दें, आप अभी ज्यादती कर रहे हैं, अभी आप सुनिए, चलिए ठीक है, जो मैं आपको साबित कर रहा हूं यहां पर, अभी देखिए प्रॉफेटहुड इन बाइबल एंड इंजील से मैं बात कर रहा हूं, तौरात इंजील को कायम करने का हुक्म आपका कुरान दे रहा है, सूरह अल माईदा के अंदर हुक्म दिया गया है कि आप तौरात और इंजील को कायम करो, और जो लोग तौरात और इंजील को कायम नहीं करते वो कतन कभी भी हक पर नहीं है, ये आपका कुरान कह रहा है सर, इसको तो मानोगे या इसको भी नहीं मानोगे? इसके अलावा आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाइबल पर मौजूद थी, जो उस वक्त मौजूद थी आपके वक्त में, शादाब साहब आप मुझे इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं, व्हाई यू इंटरप्टिंग मी अगेन एंड अगेन? मैं इंटरप्ट कर रहे हैं क्योंकि आप उसमें ये रूल्स में था कि आपको पूरी आयत चलाना है, आप बस वो क्लिप ये नहीं चला सकते, इसलिए मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, ये रूल्स था आपने इस पे माना। 2 मिनट शायद 2 मिनट आप बात कर देते हैं मेरे, मैं कैसे बात करूंगा? खोल के बताता हूँ अब आप देखो, तो मुझे भी अब रुक जाना, मैं खोल के बताना पड़ेगा आपको, फिर मेरे भी बैक टू बैक दो टॉपिक्स होंगे। अरे सर ये ऐसे ही ये वही टॉपिक है, वही टॉपिक से कनेक्ट कर दूंगा। हां जी, जैसा आप कनेक्ट कर रहे हो ना दूर का कनेक्शन, ऐसे कनेक्ट करके मैं भी दो टॉपिक्स लूंगा। क्या ये टॉपिक आप इसका रिफ्यूटेशन कीजिएगा, मैं पूछो क्योंकि अलग टॉपिक है, टॉपिक के अंदर है, मैं टॉपिक से बाहर नहीं हूं, ये टॉपिक है प्रिजर्वेशन और मेरे पास जवाब है रेडी, लेकिन मुझे भी फिर दो टॉपिक्स देना चाहिए आपको, आप मोनोपोलाइज नहीं कर सकते डिस्कशन। जी तो हम लोग को ये टॉपिक के बाहर हो रहा समीर साहब, आप अगर बोलना चाहते हैं इस टॉपिक के कनेक्टेड, तो आप बोलिए, इंटरेस्ट है ना, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो ना, कर दो पूछ लो, फिर मुझे भी दो टॉपिक्स रहेंगे बैक टू बैक। जी देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं बात नहीं करूं तो आप जो है ना फिर मुझे मना कर दीजिए, मैं नहीं बात करता,
आपको जैसा कि रूल्स का टॉपिक से बाहर नहीं करना, कोई हिसाब से प्रोफेसी से कनेक्टेड नहीं है, अलग टॉपिक है, कोई भी इंसान देख सकता है, और ऐसा डिस्टिंक्ट वे कनेक्शन लगाना है मुझे, मैं भी कनेक्ट करके लगा करके दो टॉपिक लाऊंगा, ऐसे ही कनेक्ट करके लाऊंगा। नहीं, दूसरा टॉपिक क्यों मान रहे हैं आप इसको, मेरी समझ में नहीं आ रहा आप इसको क्यों, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा जैसा साहब कि आप इसको दूसरा टॉपिक मान क्यों रहे हैं। आप ले लो, नहीं आप इसको दूसरा टॉपिक कनेक्ट करके दूसरा टॉपिक मान, कनेक्शन आपने जोड़े हो ना, ये दूसरा टॉपिक है कि ये आप, ये क्लेम किसने किया कि कुरान बदल गया, मैंने किया आपने, तो दूसरा टॉपिक कौन लाया, आपकी मैं, आप लाए कि मैं ला, ऐसे लाना है ना, मैं आपको और दस टॉपिक, मैंने जीसस क्राइस्ट का नाम लिया आपने, आप अगर ये दूसरा टॉपिक है, अगर ये दूसरा टॉपिक है, इसका दावा आपने किया क्यों बातचीत करते हुए, मुझे बताइए आपने क्यों दावा किया, क्यों किया आपने दावा, जब भी दूसरा जवाब है जो आप सवाल मुझ पे थोप रहे थे कि ये बाइबल का वर्स आपको मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा, मैं बताया हम लोग मानते ही नहीं हो, और मैंने आपको सवाल मैंने जो मैंने ये बोला कि जब आप ये चीज मान रहे हैं तो आपको ये भी मानना पड़ेगा ना, आप ये कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं मानता, सुने आपने दलील ये दी कि मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो चेंज हो गया, मैं आपको साबित करने लगा वो चेंज नहीं हुआ है, आपको मैं और 10 टॉपिक बताऊं जो आप ले सकते हो, ऐसे कनेक्शन जोड़ना है ना, आप 10 टॉपिक और ले सकते हो, अब यहाँ किसी ना किसी को तो फैसला करना पड़ेगा कि न्यू टॉपिक है नहीं है। आपका ये डर, आपका डर मुझे, आपका डर मुझे अच्छा लगा, आई लाइक इट, आई लाइक इट। चलिए आप यही मान लीजिए कम से कम समीर साहब, अब नया टॉपिक पे चले हम लोग, चले नया टॉपिक की तरफ, हम उसी टॉपिक के ऊपर हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, प्रोफेसीज के ऊपर आप बात कर रहे थे, आपने बोला जीसस क्राइस्ट प्रोफेसाइज है, जीसस क्राइस्ट प्रोफेसाइज नहीं है, जैद भाई ने बोला जॉन 1:21, फिर आप कोई और टॉपिक पे और आप फाइनली एक नए टॉपिक पे, आपके मोहम्मद प्रोफेसाइज है, आपके मोहम्मद प्रोफेसाइज है वहां पर, जीसस आपने बोला तो उन्होंने बोल दिया जॉन 1:21 में जीसस प्रोफेसाइज नहीं, जीसस खुद जीसस पे बात नहीं हो रही है अभी, सॉरी अभी अभी आपने बोला था, वही मैं याद दिला दे रहा हूँ कि वो टॉपिक पे चल रहा था, अभी आप न्यू टॉपिक पे जा रहे हैं। देखिए मेरे पास जो है ना, मेरे पास जो बोल रहे हैं टॉपिक पे बोल रहे नहीं बोल रहे, फिर आप जज मेरे पास जैद साहब के सारे सवालों के जवाब है, एक एक का रिफ्यूटेशन मैं दूंगा, ठीक है, आप लोग उस तरीके से इंटरप्ट कर रहे हैं ना मुझे, उस तरीके से बात नहीं होती। चलिए ठीक है जैद साहब, मुझे आप एक बार बताइएगा, सिर्फ एक हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताइए, आप गॉस्पेल ऑफ बार्नबास को मानते हैं? गॉस्पेल ऑफ बार्नबास को नहीं, मैं कुरान और हदीस को मानता हूँ, क्रिश्चियंस की किसी को तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मॉडरेटर्स होते हैं, आपका मॉडरेटर तो गायब हो गया, मॉडरेटर में सुने, मैं प्रोफेसीज के बारे में आपको ये दिखाई वर्स नंबर 26, और मैंने इसको पढ़ करके ये बताया है कि इस इन क्राइटेरिया पे आपके मोहम्मद पूरे नहीं उतरते, लिहाजा ये प्रोफेसी आपके मोहम्मद के बारे में नहीं है, आप ये मानिए। आपने ये कहा कि मैं इसको नहीं मानता क्योंकि ये बदल गया है, अब मैं आपको ये दिखाने लगा हूं कि ये नहीं बदला है, आप क्यों नहीं देखना चाहते, व्हाई यू आर नॉट रेडी, ये साबित करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो नहीं बदला है, इसको साबित करने के लिए। कैन आई प्रोसीड नाउ प्लीज? आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जॉन का 26 और 27 जो है चैप्टर नंबर 15 का, ये नहीं बदला, ये आप साबित करना चाह रहे हैं? मैं साबित करना चाह रहा हूँ बाइबल का एक, बाइबल का एक नुक्ता भी नहीं बदला, मैं साबित करना, बाइबल के एक, ये जो आप बोल रहे हो ना, ऐसे ही कनेक्ट करके मैं भी लाऊंगा, तब मुझे भी अलाउ करिएगा, आपका सवाल आप पूछ लो, मैं आपको जवाब देता हूँ। लाइएगा आप लाइएगा, ठीक है, अब चले, अब मुझे बात करने दे, अब मेरे वापस से आप जो है ना 5 मिनट लगाए, ऐसे बात नहीं होती, 5 मिनट स्टार्ट से लगाएं। पांच मिनट नहीं था आपका, 3 मिनट बाकी था जहां तक मुझे यार, वो तो अपना स्पॉइल कर, नहीं तो वो 2 मिनट आपने मेरे, मेरे बात क्या कि 2 मिनट आपने ये क्लेम कर दिया था, तो 3 मिनट का मैं फिर से आपको चला सकता हूँ। चलिए कर ले आप लोग जैसे कर रहे हैं, कोई इशू नहीं, ये सूरह अल माईदा की आयत नंबर 68 है, ये कह दी, ये क्या कह रही है, आप कह दीजिए कि ए अहले किताब, तुम दरअसल किसी चीज को नहीं, जब तक के किसी चीज पर नहीं जब तक के तुम तौरात और इंजील जो कुछ तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से उतारा गया है उसको कायम ना करो। ये कौन कह रहा है? ये कुरान कह रहा है, तौरात और इंजील को कायम करने की बात कुरान कर रहा है। अगर वो बदल गया है तो कुरान ऐसी किताब को, ऐसी चीज को कायम करने की बात क्यों कर रहा है सर, इसका मुझे आप जवाब दीजिएगा।
आपका कुरान क्यों सच तस्दीक कर रहा है। इसके अलावा आपके रसूल अल्लाह प्यारे मोहम्मद रसूल अल्लाह ने खुद ईमान लाया बाइबल के ऊपर जो उस वक्त मौजूद थी, उन लोगों के बीच में मौजूद थी, और उसके खुदा पर भी, उसके नाजिल करने वाले पर भी। सुनन अबी दाऊद 449, मैं सामने खोल करके दिखा देता हूं, एक एक खोल के बता रहा हूं सर, ये दलील खोल लिया मैंने आपके सामने। अ ग्रुप ऑफ ज्यूज केम एंड इनवाइटेड मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू कुफ, सो ही विजिटेड देम इन देयर स्कूल, उनके स्कूल में गए। द सैड अबुल कासिम, वन ऑफ अवर मैन हैज कमिटेड फोर्निकेशन विद अ वुमन, so pronounce judgment upon them. They place a cushion for the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, who said it and said, bring the Torah, Torah lao. It was then the bout fir wo lai gayi. He then withdrew the cushion from the beneath him and placed the Torah on it, saying, I believe in this and in him who revealed this. मैं इस पर ईमान लाया और इसके नाजिल करने वाले पर ईमान लाया। आपके रसूल अल्लाह तो ईमान ला रहे हैं उस किताब के ऊपर जो यहूदियों के पास पड़ी हुई है, और उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, और उसके नाजिल करने वाले पर ईमान ला रहे हैं। आप कह रहे हैं बदल गया, कैसे सर, कब बदल गया, क्या रसूल अल्लाह के बाद बदला था? क्योंकि जब जब मसाया आया उसने कंफर्मेशन दी कि तौरात की मैं बशारत देने वाला, जब जहां पे बशारत की आप बात करें वहीं उसने कहा कि तौरात की वेरिफिकेशन करने वाला हूं। आपके रसूल अल्लाह बाइबल पर हाथ रख करके कसम खा कर ईमान ला रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं वो बदल गया? माइक इज योर्स, प्लीज गिव मी आंसर। चलिए, तो आपने उसको हिंदी नहीं किया लेकिन समीर भाई, इंग्लिश में चलाया, हिंदी में बताया मैंने, हिंदी में बताया मैंने, हिंदी में मैंने बताया, शायद आप सुन नहीं रहे, हिंदी में बताया। तो जैद भाई, जब आप रेडी हो जाइएगा आप बताइएगा, मैं टाइमर को ऑन कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ, समीर से पूछ रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं, आपका ये दावा है कि कुरान के मुताबिक बाइबल में एक लफ्ज भी नहीं बदला है, ये आपका दावा है कुरान के मुताबिक? आपका कुरान कह रहा है बाइबल में आपने ये समझा है, कुरान कह रहा है एक लफ्ज भी नहीं बदला है ना, ये आपका दावा है, आपने ये समझा है, ठीक है ना? चलो, जो आपका दावा किया था मिल गया। अब मैं आपको जरा मैं पावर पॉइंट खोल के बताता हूं, ये मैंने एडम सीकर वाले डिबेट के लिए तैयार कर रखा था, वहां तो इस्तेमाल करने मिला नहीं, चलो आपके ऊपर ही इस्तेमाल करने। एक मिनट, जैद भाई आप टाइमर आपको चल रहा है? हाँ, जी जी मैं जानता हूँ। चलिए, तो मैं क्या करूँ, उसको रोक दूँ अभी या? कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं टाइटल भी बाजू में लगा है, तौहीद वर्सेस ट्रिनिटी। चलो, आज के दिन के लिए ये पावर पॉइंट बनी थी। तो सूरह 5 वर्स 13 आप देख रहे हैं, इसके अंदर दिया हुआ है, युहर्रिफूनल कलिमा अन मवादीही, उन्होंने बातों को अपनी जगहों से चेंज कर दिया। हाँ, व नसु हज़्म मिम्मा ज़ुकिरू बिही, और जो कुछ उनको नसीहत दी गई थी उसमें से चीजें भूल भी गए। तो यानी डिलीटेड भी आ गया, चेंज्ड भी आ गया, चेंज एंड डिलीटेड दोनों। और कुरान में कहा गया, फवैलुल लिल्लदीन यक्तुबूनल किताबा बिअयदीहिम, तो लानत है ऐसे लोगों पर जो किताब अपने हाथ से लिखते हैं। थुम्मा यकुलून हादा मिन इंदिल्लाह, कहते हैं फिर उसके बाद कि अल्लाह की तरफ से, लियश्तरू बिही तमनन कलीला। क्रिश्चियंस के बारे में भी है, सूरह 5 वर्स 14, वमिनल्लदीन कालू, वो लोग जो कहते हैं, इन्ना नसारा, कि हम लोग नसारा क्रिश्चियंस हैं, अखज़ना मीथाक़हुम फनसु हज़्म मिम्मा ज़ुकिरू बिही, तो हमने उनसे, अल्लाह ताला ने कहा कि हमने उनसे मिसाक लिया, हमने उनसे कवेनेंट लिया, फनसु, वो भूल गए, हज़्म मिम्मा ज़ुकिरू बिही, जो उनको नसीहत दी गई उसमें से एक पोर्शन, वो काफी पोर्शन भूल गए। तो हम देखते हैं कि आज के बाइबल में तो बहुत सारी ये चीजें आपको मिलेगी, डिफरेंसेस वर्जन, डिफरेंसेस इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कौन सी बुक्स बाइबल का हिस्सा है नहीं है, कैनन्स,
कौन सी बुक्स किससे लिखी, इंसल्ट्स ऑफ गॉड है, इंसल्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स है, रॉन्ग टीचिंग्स है, ऑब्सिनिटीज है, अनसाइंटिफिक स्टेटमेंट्स है, कॉन्ट्रडिक्शंस है, फॉल्सिफाइड प्रोफेसीज है, कॉपिंग विद इन द बाइबल है, ये सब कैटेगरी खाली लिखी है। इसके ऊपर मेरे पास सब डिटेल्स है आपके लिए रेडी, आपको इस पर डिस्कस करना है तो। और जहां तक आपने कुरान की आयत पढ़े तो यस, हम देखते हैं कि ये तौरात पर जो उनको कायम रहने कहा गया है, क्योंकि वो अपने लॉ को, जो जूस थे उस जमाने के, वो अपने लॉस के साथ खिलवाड़ करते थे। जहां चाहिए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते कि नहीं अभी आप जो फैसला कर दो, जहां चाहिए तो अपनी बात पे चले आते। तो उनको कहा गया तुम तुम्हारे लॉ पे कायम रहो, तुम तुम्हारे लॉ पे हो ना, तुम पे कायम रहो। तो हम देखते हैं कि यहां पर जैसे एक कोड होता है तो एक फ्रीडम उनको दिया गया था, जो जूस ऑफ मदीना को फ्रीडम दिया गया था, तो उनको कहा गया तुम तुम्हारे लॉ पे रहो, अगर रहे तो पिक एंड चूज नहीं कर सकते, यहां पे चीज अच्छी दिख रही वहां चले जाए, वो उनका मामला था, उनके डिजायर्स का तो उसके अंदर मामला है। और जहां पे उनको कहा जाता है फॉलो करने, तो हाँ जो उसके अंदर जो सही चीज है वो फॉलो अगर करेंगे तो वो प्रोफेसीज को भी फॉलो करेंगे, और वो जानते हैं जैसे अपने बच्चों को जानते हैं ऐसे वो लोग जानते हैं उस बात को, तो वो उस प्रोफेसी को फॉलो करके इस्लाम तक आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके सवाल का जवाब मिल गया, एंड आई होप कि ये टॉपिक यहां पे एंड करके हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। टू टॉपिक्स हो गए और आपको डिस्कस करना है बाइबल क्यों कॉन्कॉक्टेड है, तो मेरे पास उतनी कैटेगरीज है, सबकी डिटेल्स मैं आपको सब बता सकता हूं। जैद भाई आपको कंप्लीट हो गया। देखिए मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूँ कि ये मेरा जॉब नहीं है ना मेरा काम है कि बाइबल करप्टेड है या नहीं है। मैं आपके कुरान के अकीदे से जानना चाहता हूँ कि आपका कुरान क्या कह रहा है। ठीक है सर, वो ना वो किसी क्रिश्चियन का काम होगा या किसी यहूदी का काम होगा, उसको वो डिफेंड करेगा। मेरा काम है आपके कुरान को प्रेजेंट करना। तो मैं अगली जो है ना वर्स पेश करता हूँ आपके सामने। ये आप कह रहे हैं कि वो करप्टेड हो गया है या वो बदल गया है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका कुरान इसके बारे में क्या कह रहा है, इस पर मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ अल्लाह ऑथेंटिकेटेड द तौरा एंड इंजील इन कुरान वर्स नंबर 241 एंड 289। 2 की 41 देखते हैं हम और 2 की 89 देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है सर। ओके सर, इसको भी देख लेते हैं एक बार। बट टू टॉपिक नहीं है, टॉपिक हमारा प्रोफेसीज ही है, ये आप याद रखिएगा, उसी पर हम बात करेंगे। Let me show you Quran. ये आप यहां पर क्लियरली पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, और इस उस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने तुम्हारी किताबों की तस्दीक में नाजिल फरमाई है, तुम्हारी जो किताबें हैं उनकी तस्दीक में मैंने नाजिल फरमाई है, और इसके साथ तुम ही पहले काफिर ना बन जाओ और मेरी आयतों को थोड़ी कीमत पर ना फरोख्त कर डालो और सिर्फ मुझसे ही डरो। आपका अल्लाह 41 में कह रहा है कि मैंने ये किताब जो उतारी है वो आपकी पुरानी किताबों के तस्दीक में उतारी है, यानी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद आई वाज ऑथेंटिकेटिंग दैट बुक विच वाज विद ज्यूज। ठीक है, तो तब तो वो नहीं बदली क्योंकि अल्लाह उसकी ऑप्शन दे। इसके बाद अगली आयत आपके सामने मैं रख देता हूं जो कि आई थिंक इसकी 82 है। लेट मी चेक वंस अगेन। आप देख लें इसी की 89, उसके अंदर भी सेम चीज कही जा रही है। जी, और उनके पास जब अल्लाह ताला की किताब उनकी किताब को सच्चा करने वाली उनकी किताब को सच्चा करने वाली आई, हालांकि पहले ये खुद काफिरों पर फतेह चाहते थे, तो बावजूद पहचान लेने के फिर कुफर करने लगे। अल्लाह ताला की लानत हो काफिरों पर, यानी कि ये अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि जो इनकी किताब को मैंने वो किताब भेजी जो इनकी किताबों को सच्चा करने वाली है, सर अगर बदल गई है तो अल्लाह उसको सच्चा क्यों कर रहा है, मुझे बस इसका आंसर दे दे सर। थैंक यू। ठीक है, तो जैद भाई आप देखिए, सिंपल आंसर है कि इस्लाम ने यह सिखाया सारे पिछले नबियों को मानो, हम वो गलती नहीं करेंगे जो जूज ने किए ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, कि जब ईसा अलैहिस्सलाम जीसस क्राइस्ट आए क्लियर प्रूफ्स के साथ, तो उन्होंने उनकी क्लियर प्रूफ्स को देखते हुए उनका इनकार किया, उनको इम्पोस्टर किया, कहा हम वो गलती नहीं करेंगे। हम मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम जीसस क्राइस्ट को भी मानते हैं, सारे पिछले प्रॉफिट्स को मानते हैं। ये भी कहा गया है कि अल्लाह ताला ने कई और प्रॉफिट्स भेजा जिनका नाम जिक्र नहीं है,
और अल्लाह ताला ने वली कुल्ली कौम इन हाद, हर कौम के लिए गाइड भेजा, हम सबको मानते हैं। आमन रसूलु बिमा उन्जिल इलैही मिन क़ब्लिही व बिमा उन्जिल इलैही मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुना आमन बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, सारे रसूलों पे हम ईमान लाते हैं। तो हम ये देखते हैं सारे रसूलों पे हमारा ईमान है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हर वर्ड अनचेंज्ड है। जो कंक्लूजन समीर भाई ने चेरी पिक्ड वर्सेस से अंडरस्टैंडिंगली और जो दुनिया के साथ वो शेयर करते हैं, इतने सारे स्ट्रीम्स करने के बाद ये इतनी बेसिक चीज मुझे आपको बतानी पड़ रही है समीर, और इतना डिस्कशन के बाद भी आप इस सिंपल सी बात को नहीं कैच कर पा रहे हैं कि हम बिलीव करते हैं कि वो बुक्स चेंज हो चुकी है। मैंने आपके सामने वर्सेस ऑफ द कुरान रखे, युहर्रिफून अल कलिमान मवादी, कि उन्होंने आयतों को चेंज किया, नसू भूल गए, तो फॉरगॉटन है, चेंज्ड है, दोनों का प्रूफ मैंने कुरान से दिया, जो हमारे लिए प्रूफ है, हमारे लिए प्रूफ है। क्रिश्चियंस के लिए क्या प्रूफ होगा, मैंने वो 12 कैटेगरी सामने रखे थे प्रूफ्स के। तो आपको अगर बाइबल को डिफेंड करना है तो करो, और जो आपने स्टेटमेंट दिया ना कि आप बाइबल के बारे में बात नहीं कर सकते हैं या कुछ इसी तरह की बात आपने कही, तो फिर बात क्यों कर रहे हैं, बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, नहीं, मैंने ये नहीं कहा, आप अपने टाइम में बात करिए। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अब यहां पर मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आपको जो कहना था कर दिया, अभी ऑडियंस को जज होने दो, आप तो बहुत बिलीव करते हैं इस बात में, लेट द ऑडियंस बी द जज। हां, तो ये टॉपिक हम फिनिश करेंगे तो एक मीनिंगफुल रात गुजरेगी हमारी बात करते हुए, मीनिंगफुल टॉपिक्स। मैं वेट कर रहा हूं अगला टॉपिक कहां आएगा, कब आएगा, और आप एक टॉपिक को इतना लंबा, फास्टर जा सकते हैं, फास्टर मैं सवाल पूछूं, फास्ट 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 जवाब आ जाए, जो समझ में आया नहीं आया ऑडियंस जज करेगी इंशाल्लाह। आगे कंटिन्यू करते हैं, चलिए। ओके, थैंक यू सो मच। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि मैंने क्या कहा था। मैंने ये कहा था आपको, बाइबल करप्टेड है या नहीं है उसको प्रूव करना मेरा काम नहीं है, वो किसी क्रिश्चियन का काम है। मैं उस पर बात करूंगा जिस पर आपका कुरान बात करता है, क्योंकि मैंने शुरू से कहा है आपको कि मेरा मैरिट जो है, मेरा मेयार जो है वो कुरान है। मैं कुरान से चीजों को समझूंगा क्योंकि मैं आपसे इस्लाम पे बात कर रहा हूं, तो मैं किसी अदर स्क्रिप्चर पे नहीं जाऊंगा। मैं इसलिए लेकर के आया क्योंकि आपने ये क्लेम किया था कि उनका नाम जो है पुरानी किसी किताबों में है, तो मैंने वो चीज आपके सामने एक्सप्लेन करी, और फिर मैंने पूछा कि क्या आप इसको मानते हैं, आपने कहा इसको नहीं मानते क्योंकि ये चेंज हो गया है। मैंने आपको उसके जवाब में दिखाना शुरू किया कि ये देखिए आपका कुरान जो है उसको ऑथेंटिकेट कर रहा है, वो कह रहा है नहीं चेंज हुआ, तो आप कैसे कह रहे चेंज हो गया, मुझे वो तरीका बताएं। अगर आप ये साबित कर देंगे इससे मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अगर आप ये भी प्रूव कर दें कि वो चेंज हो गया तब भी मेरे लिए कोई फर्क पड़ने वाला, बिकॉज आई एम नॉट क्रिश्चियन और आई एम नॉट यहूदी। मेरा जो क्लेम है वो ये है कि आप ये दावा कर रहे हैं कि आपके नबी का किताब नाम जो है ना उन किताबों के अंदर है जिन किताबों में बदलाव कर दिया गया, यहाँ पे आपके अल्लाह की नाकामी साबित होती है। वो कैसे साबित होते हैं मैं आपको बताता हूं कि उसने उम्मत को, अपनी कौम को एक मैसेज दिया कि एक नबी जो है मैं तुम्हारी तरफ ऐसा भेजूंगा ऐसा, और उस नबी के आने से पहले वो मैसेज रहा ही नहीं, खत्म हो गया। और अगर अल्लाह, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि अल्लाह आलिमुल गैब सब कुछ जानने वाला है, तो उसको यह भी पता होगा कि ये जो मैसेज मैं दे रहा हूं ये कल बदल जाएगा, लोग इसको बदल डालेंगे, फिर भी वो मैसेज दे रहा है। यानी कि ये ऐसी ही बात है कि आप मुझे एक ईमेल लिखते हैं या एक लेटर लिखते हैं और आपको पता है कि लेटर मुझ तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, फिर भी आप वो लेटर लिखते हैं, आप बेवकूफ है जो आप वो लेटर लिखेंगे जो मुझ तक कभी पहुंचना ही नहीं है, जिसको बदल दिया जाएगा। तो यहां पर तो यहूदी अल्लाह से ज्यादा पावरफुल होगा, जिसने उसके मैसेज को उस वक्त आने तक पहले ही निपटा दिया, वो पहुंचा ही नहीं, जिससे आप क्लेम करते कि हाँ देखिए मैंने इस नबी के बारे में ये मैसेज भेजा। लेकिन जहां तक अभी चेंज की बात है, मैंने कहा था कि मैं आपके रेफरेंस पर रहूंगा, आपके रेफरेंस से ही पेश करता हूं। इब्ने अब्बास जिनके बारे में अभी आप थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा जो है ना श्योर थे, वो क्या कह रहे हैं इस पर भी गौर कर लें। आल इमरान आयत नंबर 78 में आपके इब्ने अब्बास क्या लिखते हैं, अल बुखारी रिपोर्टेड दैट इब्ने अब्बास सेड दैट द आया मींस दे alter and add also known among Allah creation can remove the words of Allah from his books the after and distort their apartments meaning wahab bin munabbin said the Torah and the Injil remain as Allah revealed them and no letter in them was removed however the people misguide other by addition and false interpretation। आपके इब्ने अब्बास तो कह रहे हैं कि अल्लाह ने जैसी नाजिल की थी वैसी ही मौजूद है, आज तक जरा सी भी नहीं बदली। आप क्या कह रहे हैं, आपकी मानूं कि इब्ने अब्बास की मानूं? सर नाउ यू टेल मी, आपने थोड़ी देर पहले मुझसे सवाल किया था ये बोलते हुए कि आपको ज्यादा पता होगा कि इब्ने अब्बास को ज्यादा पता होगा, आपने ये सवाल किया था मुझसे। अब मैं पूछता हूं, आपको ज्यादा पता है या इब्ने अब्बास को ज्यादा पता है? हु वाज देयर दैट टाइम, प्लीज आंसर सर।
तो समीर साहब आप अपना टाइम यहीं पे छोड़ रहे हैं ना, तो आपने तफसीर इब्ने कसीर स्टार्ट किया जी। जैद भाई आप जब रेडी रहेंगे आप बता दें ताकि मैं टाइमर को ऑन कर दूं। जी मैं तैयार हूं। समीर ने कहा है कि इब्न अब्बास, आपके इब्न अब्बास, आप उनकी बात मानेंगे। पिछली बार भी इब्न अब्बास ने आपको स्टंप कर दिए थे, इस बार फिर इब्न अब्बास करने वाले आपको स्टंप अपनी जगह पर। आपने इब्न अब्बास को कहा, चलिए देखते हैं इब्न अब्बास क्या कह रहे हैं। ये बुखारी की हदीस है, सही बुखारी हदीस नंबर 2685 दिख रहा है ना, चलिए पढ़ते हैं हम। तो इब्न अब्बास ने क्या कहा, सही बुखारी की इस हदीस में आता है कि इब्न अब्बास ने कहा, ए मुसलमान, ए मुस्लिम्स, हाँ या माशरल मुस्लिमीन, वो कहते हैं कि कैसे तुम अहले किताब से पूछो, हाँ कैसे तुम अहले किताब से पूछो, وَكِتَابُكُمْ الَّذِي أُنزِلَ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَثَ أَخْبَارَ بِاللَّهِ، اور جو کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی یہ تو لیٹسٹ خبر ہے اللہ کی طرف سے، تَقْرَؤُونَهُ وَلَمْ تُشَبْ، کہ تم اسے پڑھتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس میں یہ چینج نہیں ہوئی ہے یہ کتاب، اب آگے پڑھیے، یہ کتاب پریزرو کتاب ہے۔ وَقَدْ حَدَثَكُمُ اللَّهُ وَقَدْ حَدَثَكُمُ اللَّهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ بات بھیجی ہے کہ اہل کتاب نے بدل دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھیجا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ وَغَيَّرُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کتاب کو بتا دیا۔ اب یہ ابن عباس کا قول آپ نے کہا، لیجیے ابن عباس کا قول، کتنی اسٹرینج بات ہے کہ آپ آف آل دا پروفیٹ آف آل دا صحابہ آپ ابن عباس کے پاس آئے اور ابن عباس نے ہی آپ کی بات کو یہاں پر رد کر دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اب آپ کو اس حدیث کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ ٹائمر لگا دے میرا جی، ہم لوگ آپ سے کانسٹنٹ سے وداؤٹ ٹائمر بات کریں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ ٹائم ہم دونوں ہی لے رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں زید صاحب، ون بائی ون کرتے ہیں وداؤٹ ٹائمر، کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کا اکرام کرتے ہوئے، یا ٹائمر سے کریں بتائیے؟ جو چل رہا ہے اس طرح سے چلنے دیتے ہیں۔ میں نے سوال پوچھا، اب آپ سوال کا جواب دیجئے، اور جو انیسیسری لمبی بات ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جتنی بات بول کے ختم کر دینا چاہیے ہمیں، ہم دونوں کو۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے میں یہ لاسٹ جواب دوں گا، اس کے بعد واپس اپنے ٹاپک پر آئیں گے جو کہ ہمارا ٹاپک ہے پروفیسیز کا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ میرا یہ کام نہیں ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا کہ یہ پریزرو ہے یا کرپٹڈ ہے۔ میں آپ کو آپ کے جو ہے اوتھینٹک ریفرنسز دوں گا جو میرے پاس موجود ہیں، اگر آپ اس کو نہیں مانتے ہیں تو اٹس اوکے، نو پرابلم۔ آپ جو یہ حدیث پیش کر رہے ہیں، اس حدیث کو میں نے جو ہے نا نہیں پڑھا ہے، آپ نے فرسٹ ٹائم مجھے پیش کی ہے۔ آپ ابن عباس والی بات ایکسیپٹ کر لو کہ آپ نے غلط بولے، اور پھر آپ نیکسٹ ٹاپک پہ جاؤ نا، ابن عباس والی بات۔ اب آپ میرے ٹائم میں بول رہے ہیں، ہاں ہاں ٹھیک ہے، بول دیجیے آپ۔ اوکے، یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہی ابن عباس نے وہاں کہا ہے، اور یہی ابن عباس یہاں پر یہ جو بھی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو آپس میں کنٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے۔ اب آپ کس کو صحیح مانیں گے؟ میں تو کہوں گا وہ صحیح ہے جو وہاں لکھا ہوا ہے تفاسیر کے اندر، آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، کس کو مانا جائے گا، یہ کون طے کرے گا؟ آپ ثبوت لائیے اس کا، وہ حدیث میں نے تو سکرین پہ لایا نا، آپ بھی سکرین پہ لائیے۔ جی ہاں ٹھیک ہے، میں اس کو سکرین پہ لے کے آ جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو وہ سکرین پہ چاہیے لیجیے، میں اس کو سکرین پہ لے کر کے آ جاتا ہوں، اس کی کوئی دقت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اس لیے جو ہے اسکرین شاٹ لگایا تھا تاکہ مجھے معلوم تھا کہ آپ کو معلوم ہوگا اس کے بارے میں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا ریفرنس پیش کروں تو یہ لیجیے، میں آپ کو ریفرنس پیش کر دیتا ہوں اس کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ طے آپ نے کرنا ہے سر، میں نے نہیں کرنا۔ لیجیے سر، میں نے یہ پیش کیا تھا سورہ آل عمران کی تفسیر ابن کثیر آپ کے سامنے موجود ہے 78 کی، یہ رہا سر یہاں پہ جی، یو آلٹر اللہ ورڈ، یہ سامنے موجود ہے آپ کو، یہ والا ٹیکسٹ موجود ہے، آپ پڑھیے، اوپر پڑھیے، ٹائٹل سے پڑھیے، اوپر کا بھی پڑھیے، نہیں آپ پڑھیے، میں نے پیش کر دیا۔ اب اگر آپ کو اس میں سے کچھ الگ نظر آ رہا ہے تو یہ میں نے کھول دیا۔ وہب بن منبع کا آپ نے پڑھا تھا سمیر بھائی، وہب بن منبع نیچے ہے وہ، جو آپ نے پڑھا تھا ابھی نیچے آئیے، ہاں یہ وہی ہے جو آپ نے پڑھا تھا، وہ نیچے ہے وہی، جی جی نہیں نیچے ہے وہ، ابھی آپ جو پڑھ رہے تھے وہ نیچے ہے۔ سمیر آپ چاہتے ہیں میں پڑھوں؟ چلو میں یہی موجود ہوں، یہ رہا سر، یہ رہا۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ کتنی اسٹرینج بات ہے، آپ اپنی آنکھوں کے سامنے سب لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ سمیر نے پریزنٹ کیا ہے
कि बुखारी रिपोर्टेड दैट इब्न अब्बास सेड दैट द आया मींस दे अल्टर एंड ऐड अमंग ऑल्दो नन अमंग अल्लाहस क्रिएशन कैन रिमूव द वर्ड्स ऑफ अल्लाह फ्रॉम हिज बुक्स दे अल्टर एंड डिस्टॉर्ट देयर अपेरेंट मीनिंग्स। इब्न अब्बास कह रहे हैं कि वो लोग चेंज करते हैं और समीर ने कहा कि वो लोग इब्न अब्बास कह रहे हैं कि नहीं चेंज करते, यानी कि मिस कोटेशन डायरेक्ट, और फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शन है, तो मैं दोनों में से कौन सी बात मानूं, दोनों के दोनों बातें आपके खिलाफ गई। इब्न अब्बास ने आपको सिंगल नहीं डबल टाइम एक ही आंसर में ब्लॉक कर दी। लेट मी आंसर यू नाउ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लेट मी रीड, और मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो उसी को पढ़ लेते आप, समीर भाई ज्यादा अच्छा रहता वहीं पर। नहीं वैसे मॉडरेटर साहब को जो है ना वो नॉर्मल रहना चाहिए, लाइक खाली खाली नहीं, नॉर्मल ही हम हिसाब से आपको सीखना चाहिए अभी। जी जी जी, अब नहीं अभी, बिल्कुल अभी आप जरूर कुछ सीखना बाकी, जरूर कुछ सीखना बाकी। जी 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 जरूर जरूर जरूर। जैद पटेल के साथ आप, जैद पटेल साहब के साथ आप रहते हैं ना, तो थोड़ा सा सीखने की कोशिश किया कीजिए, बोलिया बोला कम कीजिए। नहीं आप वो स्क्रीन क्यों बंद कर लिए, वो मैं जानना चाह रहा था कि वो पढ़ क्यों नहीं रहा आप। हां मैं अभी जैद भाई ने उसी को पढ़ा, मैं इसकी ट्रांसलेशन यहां डाला हूं और हिंदी में उसको पढ़ूंगा। अच्छा अच्छा हिंदी कर दिया, बेटर। हां जी चलिए चलिए कोई दिक्कत। अल बुखारी ने बताया कि इब्न अब्बास ने कहा है कि आया का मतलब यह है कि वो बदलते हैं और जोड़ते हैं। ये आया का मतलब है एक्चुअली कि वो बदलते हैं और जोड़ते हैं, हालांकि अल्लाह की रचना में कोई भी अल्लाह की किताबों में से अल्लाह के शब्दों को हटा नहीं सकता, वे अपने स्पष्ट अर्थों को बदलते हैं और विकृत करते हैं। वहाब बिन मुनब्बी ने कहा तौरा और इंजील ऐसे ही रहते हैं जैसे अल्लाह ने उन्हें पेश किया था और उनमें से कोई भी हिस्सा हटाया नहीं गया, हालांकि दूसरे लोगों को जोड़ और गलत व्याख्या करके गुमराह करते हैं, उन किताबों पर भरोसा करते हैं जो उन्होंने खुद लिखी है। यहाँ पर वो क्लियरली ये कह रहे हैं कि जो ये जो आयत आई है कि वो जोड़ते बदलते हैं, वो उनकी अपनी किताबें हैं जिसको वो उसकी एक्सप्लेनेशन करते हुए, उसकी ट्रांसलेशन करते हुए वो गलत लिखते हैं। अल्लाह ने जो किताब नाजिल की थी तौरा और इंजील, वो एज इट इज है मेरे भाई, वो ये कह रहे हैं। अभी समझ में आ गया आपको वो क्या कह रहे हैं? वो ये नहीं कह रहे हैं कि किताबों को बदला गया, वो कह रहे हैं उसकी उसकी जो व्याख्या करते हैं, उसकी जो एक्सप्लेनेशन करते हैं ये लोग थोड़े से चंद पैसे के लिए, उसको बदलते हैं अपनी किताबों में, ना कि तौरात और इंजील को। तौरात और इंजील को बदलने की बात यहाँ नहीं हो रही है, आपको ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए हिंदी। आप देखिए, आपको पता होना चाहिए समीर कि हमारे लिए प्रूफ क्या है। हमारे लिए प्रूफ कुरान है, सही हदीस है, सहाबा के आसार में इख्तलाफ भी हो सकता है, तो जिसकी बात प्रूफ की रोशनी में स्ट्रांग है उनकी बात एक्सेप्टेड है, जिनकी बात प्रूफ की रोशनी में कमजोर होती है। अभी तो आपने ये साबित कर दिया था कि जी ये इब्न अब्बास तो ये कह रहे हैं कि वो बदलते हैं, ये कि आपने इब्न अब्बास को छोड़ दिए क्योंकि इब्न अब्बास ने अरे भाई यहाँ पे अब इब्न अब्बास मौजूद है, ये क्या है, इब्न अब्बास ने कहा, ये इब्न अब्बास है मौजूद है, वहाब बिन मुनब्बे, ये वहाब बिन मुनब्बे जो है ना अलग पर्सन है इब्न अब्बास से नीचे जो है। तो वहाब बिन मुनब्बी का अल्फाज सुने, वहाब बिन मुनब्बी के अल्फाज यहाँ से है भाई, वहां से नहीं है। वहां क्या लिखा हुआ है? अल बुखारी ने बताया इब्न अब्बास ने कहा कि आया का मतलब है कि वो बदलते हैं और जोड़ते हैं, हालांकि अल्लाह की एक मिनट लेट मी कंप्लीट इट, हालांकि अल्लाह की रचना में यानी कि अल्लाह की बनाई हुई किताबों में अल्लाह के शब्दों को अल्लाह के अल्फाज को हटाया नहीं जा सकता है, वो अपने स्पष्ट यानी कि क्लियर मीनिंग को बदलते हैं और विकृत करते हैं, वो मीनिंग लेते हैं ना वो उसको बदलते हैं। उसके बाद यहां से वहाब बिन मुनब्बी का कॉल शुरू हो रहा है, यहां तो इब्न अब्बास का है, वो कह रहे हैं कि अल्लाह के अल्फाज को बदला ही नहीं जा सकता। भाई मेरे आप कैसे कह रहे हैं कि मैंने इब्न अब्बास को छोड़ा, दिस इज इब्न अब्बास। आप सब देख रहे हो कि अब जलेबी की बिल्कुल टॉप क्वालिटी जलेबी है और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है ना, मुझे अभी समझ में आया कि ये हिंदी में पढ़ रहे हैं, अब इंग्लिश से हिंदी में जाने में उनको कुछ की कुछ बात समझ में आती है, ओरिजिनल के करीब जाते हैं और कुछ स्कॉलर से समझते हैं ना तो उनको बात और अच्छे से। उर्दू में पढ़ लें ओरिजिनल हदीस और ये कहा मैं आपको ओरिजिनल से बताता हूँ, रुको आपकी स्क्रीन को मैं स्टॉप कर रहा हूँ और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ रुकिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं ओरिजिनल से लाऊंगा आपके पास, ठीक है? तो समीर भाई की ऐसे भी 5 मिनट खत्म हो गया था तो मैंने एक्स्ट्रा भी टाइम दिया थोड़ा, तो जैद भाई आपको अब बोलना 5 मिनट। वहाब बिन मुनब्बी, ठीक है, तो ये जो कॉल है यहाँ पर बुखारी का, ये बुखारी का वो रेफरेंस है या बुखारी का एक्चुअल इब्न अब्बास का डायरेक्ट कॉल यहाँ पे मौजूद है, इसमें से बास चीजें वहां पे मौजूद है। तो आप यहाँ पे देखिए कि वो कह रहे हैं इब्न अब्बास क्या कह रहे हैं कि, और मैं जानना चाहता हूँ हिंदी ट्रांसलेशन में से समीर को कैसे वो मीनिंग समझ में आई जो उसने समझा, और ट्रांसलेशन से हाफ बेक नॉलेज से बेसिस पर पाक पर्सनैलिटीज पे इल्जाम तराशी करना
कैसी बात है। चलिए देखिए, तो इब्न अब्बास क्या कह रहे हैं कि ये वर्ड्स देखिए आप, इसका अरबिक टेक्स्ट भी मैं बताता हूं। यहां से कि अल्लाह हैज रिवील टू यू, ये वर्ड्स है वहां पर बुखारी जो तफसीर के अंदर भी मौजूद है वो ये वर्ड्स है, और ये आप देख सकते हैं पूरे वर्ड्स। अब इसको कितना आप जिम्नास्टिक करेंगे या जिलेबी करेंगे देखते हैं हम। तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह हैज रिवील टू यू दैट द पीपल ऑफ द स्क्रिप्चर हैव चेंज्ड विद देयर ओन हैंड्स। अल्लाह ने तुम्हें, अल्लाह ने वही के जरिए भेजा है कि क्या भेजा है, और ये किस चीज को रिफर कर रहे हैं, जो आयतें मैंने बताया ना वो आयतों को रिफर कर रहे हैं, कुरान को रिफर कर रहे हैं। इब्न अब्बास अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, कुरान के रेफरेंस के साथ बात कर रहे हैं, प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं कि अल्लाह ने वही के जरिए भेजा है तुम्हारे पास, कि अहले किताब ने अपनी बातों को बदला है, और ये प्रूफ ये आपने ही लाया। इमेजिन करो, यानी अल्लाह की क्या मर्जी होती है कि सामने वाला खुद मेरे प्रूफ दे रहा है, मुझे जाके ढूंढ के प्रूफ ला के पेश भी नहीं करना पड़ रहा है, अल्लाह ने आपके जरिए आपके खिलाफ प्रूफ यहाँ पे स्क्रीन पे लाया, अल्लाह की मर्जी। तो आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि इब्न अब्बास ने कुरान का हवाला दिया, और क्या कह रहे हैं कि वो अपने हाथ से चेंज किया उन्होंने जो उनके पास भेजा गया। आप अरबिक में देख सकते हैं, ताकि आप इसके अंदर अगर गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी में जाना है तो भी देख सकते हैं। यहां पे क्या आ रहा है कि यहां से अल्लाह ताला क्या, इब्न अब्बास क्या कह रहे हैं, वकद हदसकुमुल्लाह, वकद हदसकुमुल्लाह, अल्लाह ताला ने बयान किया है तुम्हारे लिए, अन अहलल किताबी, के अहले किताब, बदलू मा कतबल्लाह, बदल दिया जो अल्लाह ताला ने लिखा, बदलू बदलू बदलू, देखो क्लियर वर्ड्स, बदलू उर्दू में भी ये वर्ड बदल दिया, मा कतबल्लाह, जो अल्लाह ताला ने उनके लिए भेजा मुकर्रर किया, व गैयरू, और बदल दिया, गैयरू उर्दू में भी लफ्ज है, गैर बना दिया, कुछ और बना दिया, बी अईदीहिम, अपने हाथों से, बी अईदीहिम अल किताब, बी अईदीहिम अल किताब, किताब को बदल दिया। तो यहां पे बदलू गैयरू दो वर्ड्स मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप ट्रांसलेट करो कोई भी जुबान में, कितना कितनी जिम्नास्टिक करेंगे। तो मैं अब तो मैं ऐसा कह रहा हूं ना, चलो मैं जो बोलना था बोल दिया, आपको जो बोलना था आपने बोल दिए, अब इसमें और ज्यादा टाइम हम डिबेट का स्पेंड करें कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी तरफ से लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क दे रहा हूं इस टॉपिक पे, इस सेगमेंट में मेरा रिमार्क ये है कि आपने दावा किया, क्या दावा किया कि कुरान चेंज हो गया, हाँ नहीं, आपने दावा किया कि कुरान के अंदर ये कहा गया है कि पेशन गोई है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिछली किताबों में, मैंने आपको पेशन गोइयां बता दिया, उसके प्रूफ्स मैंने आपके सामने रख दिए। फिर आपने एक सेकंड सेगमेंट वहां से निकाले कि कुरान कहता है कि तौरात और इंजील को फॉलो करना है, और तौरात और इंजील चेंज नहीं हुई है, तो मैंने आपको कुरान से भी रेफरेंस बताया कि कुरान की तौरात इंजील चेंज हुई है, आपने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कोटेशन दिया, वो कोटेशन में और मजीद आपके पोजिशन डिबंक हुआ। तो हम ये देखते हैं ये दोनों चीजें, दो सेगमेंट इसके अंदर कवर हुए, दो टॉपिक्स इसके अंदर कवर हुए ये सेगमेंट में, और मुझे जो कहना था कह दिया, आपके सामने प्रूफ्स आ चुके हैं, कुरान की आयतों से आ चुके हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की कमेंट्री से भी आ चुके हैं। जी मैं टाइमर लगाएंगे लीजिए आपको, जब मैंने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की ट्रांसलेशन, आपको जब मैंने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की ट्रांसलेशन दिखाई तो आपने ये कहा कि ट्रांसलेशन दिखा रहे हो, जबकि जब आप गॉस्पेल पेश कर रहे थे तो आप भी ट्रांसलेशन ही दिखा रहे थे, रियल नहीं दिखा रहे थे। तो लेकिन ये आपकी डुअल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी ही है कि आप दिखाएं तो सही और हम दिखाएं तो आपको तकलीफ होती है। एनीवे लेट मी शो यू नाउ योर प्रॉफिट मोहम्मद, लीव असाइड इब्ने अब्बास, इब्ने अब्बास को साइड रसूलुल्लाह दिखाते चले आपको डायरेक्ट। जामे तिर्मिजी हदीस नंबर 2653, के साथ थे, अचानक आपने अपनी निगाहें आसमान पर गड़ा दी, फिर फरमाया ऐसा वक्त आ गया है कि जिसमें लोग को सीने से इल्म उचक लिया जाएगा, यहां तक कि वो लोग के पास कुछ भी इल्म नहीं होगा। जैद बिन लबाद अंसारी ने कहा अल्लाह के रसूल, इल्म हमसे किस तरह से छीन लिया जाएगा जबकि हम कुरान पढ़ते हैं, कसम अल्लाह की हम जरूर इसे पढ़ेंगे और हम जरूर अपनी औरतों को इसे पढ़ाएंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए ज़ियाद, तुम्हारी मां तुम्हें खुद
तुम्हारी माँ तुम्हें खो दे, तुम्हारी माँ तुम्हें खो दे, मैं तो तुम्हें अहले मदीना की फिकाह में से शुमार करता था, ये तौरात और इंजील भी तो पास ही यहूदी नसारा के क्या काम आई इनके, यानी कि ये कह रहे हैं कि यहूदी नसारा के पास भी तो तौरात और इंजील थी, ये उनके काम आई, क्या फायदा पहुंचाया तौरात और इंजील। जुबैर कहते हैं मेरी मुलाकात उबादा बिन सामित रजी अल्लाह तआला अन्हु से हुई, तो मैंने उनसे कहा क्या आप नहीं सुनते कि आपके भाई अबू दरदा रजी अल्लाह तआला फिर अबू दरदा रजी अल्लाह तआला जो कहा था वो मैंने उन्हें बता दिया। उन्होंने कहा अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सच कहा, और तुम बताते हो तो तुम्हें बता सकता हूं कि पहले लोगों से उठा लिया जाने वाला इम खुशू है, अनकरीब ऐसा वक्त आएगा कि तुम जामे मस्जिद के अंदर जाओगे लेकिन वहां तुम्हें कोई खुशू खुजू अपनाने वाला शख्स दिखाई ना देगा। इमाम तिर्मिजी कहते हैं ये हदीस हसन गरीब है। मुआविया बिन साले मुहद्दिस के नजदीक सिका है, और यही और हई बिन सईद पताक के कतान के सिवा हम किसी को नहीं जानते कि इसने इनके मुतालिक कुछ कलाम किया हो। ये आपके रसूल अल्लाह खुद तौरात और इंजील के बारे में कह रहे हैं कि उनको इल्म दिया गया था, उसके इल्म ने उनको क्या फायदा पहुंचाया, ये तो तशरीह कर रहे हैं। आवाज कट रही आपकी समीर भाई? समीर भाई आप है यहाँ? आवाज कट गई है, वीडियो भी हाँ अभी ठीक है जी। आप क्या बोल रहे हैं, आपका टाइम बाकी है। मेरी आवाज आ गई? आ रही मैंने पढ़ा जी अभी क्या बोला एंड में वो नहीं आई बस। हाँ वो आ गई मैंने ही बोला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि लोगों को जो इल्म दिया गया है तौरात और इंजील का, उन लोगों को ही उन्होंने क्या फायदा पहुंचाया, तो वो तशरीह करना इस बात की एज इट इज है, वो बदला नहीं। जी जैद भाई चलो मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ, समीर से पूछता हूँ कि क्या वो समझ रहे हैं इससे। हाँ एक मिनट, मैं यहाँ पे ला रहा हूँ स्क्रीन। तिर्मिज़ी की 2653 नंबर की हदीस वो पढ़ रहे थे। समीर जरा एक बार बताओ आप इससे क्या कंक्लूड कर रहे हो? इससे हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि तौरा और इंजील जो है वो आज भी यहूदियों के पास है, मौजूद है। हाँ, और उसने उनको कोई फायदा नहीं पहुंचाया। जो वर्जन है इसके अंदर ये दिया कहां है कि वो एज इट इज है, ओरिजिनल है, अनचेंज्ड है। जब कुरान में दिया है युहर्रिफुनल कलिमान मवादी कि उन्होंने बातों को बदल दिया, भूल गए, जब ये सब बातें दी हुई है तो यहाँ पे जो है उनके पास क्या है वही वाला है, ऑल्टर्ड है। उसको क्या बोलेंगे? उसको तौरात ही बोलेंगे ना, इंजील ही बोलेंगे। ये वो ओरिजिनल तौरात नहीं है, ओरिजिनल इंजील नहीं है, ये वो चेंज तौरात और इंजील है जो उनके पास आज है। और कुरान में अल्लाह ताला ने जब क्लियरली एक्सप्लेन किया दोनों में कोई कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है। यहाँ पे ये कुरान की आयत से कोई टकरा नहीं रही ये बात। कुरान की आयत में जो दिया है कि वो चेंज कर दिया, वो भूल गए, और जो हम देखते हैं इब्न अब्बास ने भी समझाया जैसे कि आपने समझा इंशाल्लाह, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि उनके पास है तो हाँ है, क्या चीज है उसको क्या बोलेंगे? उसको एनसाइक्लोपीडिया बोलेंगे? नहीं, उसको तौरात ही बोलेंगे। कौन सी तौरात? चेंज तौरात, ओरिजिनल तौरात नहीं। यहाँ क्या दिया? अनचेंज कहाँ दिया है? बोलो अनचेंज तौरात कहाँ दिया है? नहीं दिया है। फिर से डिबंक खत्म। ये तो आपका दावा है ना कि वो चेंज हो गया है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस बात की वहां पर तशरीह कर रहे हैं कि उनके पास आज भी तौरात और इंजील मौजूद है, तो उनको ये कहना चाहिए कि वो तौरात इंजील उन्होंने बदल दी, उन्होंने फायदा नहीं दिया। वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि इनके पास जो तौरात और इंजील मौजूद है उसने उन्हें क्या फायदा दिया इस सवाल के ऊपर।
लेकिन वो ये नहीं कर रहे हैं कि बदल दी, ये आपका अकीदा है और इसके बाद इसके ऊपर हमने बहुत सारी बहस कर ली है कि बदली के नहीं बदली है। सो नाउ मुझे समझता हूँ, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक ऑफ प्रोफेसी नाउ, व्हाट यू से। आपने तो मतलब अभी टॉपिक के बाहर थे, अभी अभी हम लोग टॉपिक के मेरे ख्याल से मैंने उसका कंक्लूडिंग रिमार्क दे दिया, आपने दे दिया, आपको कुछ नया बोलना है या वही सेम बात बोलने वाले हैं प्रोफेसी के टॉपिक पे? मुझे बहुत सारी बातें करनी है आपसे प्रोफेसी के ताल्लुक से, बहुत सारी बातें मेरे ख्याल से करो। आपने जो क्लेम किया था कि उनका नाम लिखा हुआ पाते हैं वहां पर कुरान की, हाँ। जो आयत है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि ये लोग जो है आज भी अपनी किताबों में उसका नाम लिखा हुआ पाते हैं, कुरान इसका क्लेम करता है, और आपने ये चीज कोट की थी वहां पर बात करते हुए सूरह आराफ की आयत अगर आपको याद हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है नाम? जो टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो सेम चीज फिर से रिपीट करूं? चलो करूंगा। उन्होंने ये कहा, देखा आपको चीज समझ नहीं होगी, नहीं एक मिनट, मैंने तभी मैं आपको ये सवाल पूछा था, आप फॉलो नहीं कर रहे थे शायद। नहीं मैं आपको चीज डिले कर रहा हूं, शायद आपकी दूसरी तरफ ना जाए इसलिए मैं आपकी आपको जो है ना, हां हां मैं ला रहा हूं, अब वो क्या है ना जो चीज सेम चीज को लाना पड़ रहा है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, अभी मेरा टाइम चल रहा है ना, पता नहीं आप टाइम पुल कर रहे हैं अभी। चलिए सर मेरा टाइम चल रहा है ना, मेरा क्लियर चल रहा है ना, आप वो टॉपिक जो है ना उसको पुल कर रहे हैं अननेसेसरी, जस्ट कैसे टाइम खींच लो किसी तरह से टाइम फिनिश हो जाए और मैं सवाल जो पूछना चाह रहा हूं। अरे सर मैं कहीं भी नहीं खींच रहा हूं, मैं आपके साथ ही बैठा हूं, आपकी मेरी तय, सुने जैद साहब आपकी मेरी बात तय हुई थी 5 घंटे की, मैं आपकी तरह नहीं करूंगा कि 2 घंटे तय हुआ था 2 घंटे, आप मेरे हिसाब से 6 घंटे करें 7 घंटे करें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे वजाहत कर रहा हूं ताकि आप इधर उधर ना जाएं सीधे टॉपिक पर आए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपने जो बात करते हुए क्लेम किया था कि उसका नाम वहां मौजूद है और आप इधर ना जाए कि बदल गई ये हो गई वो हो गई, क्योंकि कुरान की उस आयत में क्लियरली लिखा हुआ है कि लिखा हुआ पाते हैं। अभी सुने कुरान का क्लेम वहां पर क्या है? कुरान का क्लेम ये है कि लिखा हुआ पाते हैं, यानी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद भी वो वहां पर लिखा हुआ था। सो व्हेन इट वाज चेंज, मैं फजर तक बैठने तैयार हूं। नो इशू, बैठे रहें सर, मुझे बताएं कहां लिखा हुआ है नाम। अभी आप टाइम फुल कर रहे हैं क्योंकि आप क्या देख रहे हैं कि 2:15 बचे, अब 15 मिनट कैसे भी करके मुझे सवाल पूछने ना दो, इसीलिए मैं आपको टॉपिक पे लेके आया हूँ वापस ताकि आप इस तरह से अभी तक बैठे आप सर मुझे साबित कीजिए नाम कहाँ लिखा। सर प्लीज कम टू द टॉपिक नाउ, शो मी द नेम, कहाँ लिखा है। मैंने दावा कब किया, पीछे पूरी वीडियो देखना और बताना, इसकी वीडियो बनाना कि मैंने दावा कब किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बाइबल में लिखा हुआ है, मैंने ये दावा कहाँ किया बताओ? नहीं किया मैंने, उल्टा आपने कहा कि आपने कहा कि आप कुरान पर ईमान रखते हैं, आपने कहा कुरान पर ईमान रखते हैं, कुरान दावा करता है इसका। एक मिनट बोलने दो फिर तुम बोलना। मैं बोल रहा हूँ मैंने ये कहा कि ये वर्ड्स ईसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पर अपने लोगों से कहा, ये बात दी गई कुरान में। मैंने आपसे सवाल पूछा था तब जो आपने जवाब नहीं दिया, कि मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था कि ये चीज कहां दी हुई है कि जो भी चेंज वर्जन बाइबल का रहेगा उसके अंदर ये बात हमेशा मौजूद रहेगी, ये उस आयत में कहां दिया है? सूरह सफ की जो आयत है उसमें ये बात कहां दी है? मैंने सवाल पूछ, सुना हुआ लग रहा है ये सवाल जो मैं बोल रहा हूँ, सुना हुआ लग रहा है? इसी डिबेट में मैंने पूछा आपसे सवाल और वही सेम सवाल आप फिर से क्यों पूछने लगा रहे हो ना? क्योंकि आपको 15 मिनट पुल करना है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मत पुल करो, फजर तक बैठेंगे, मैं भी पूछूंगा आप भी पूछूंगा, कितने सारे आपके फेवरेट टॉपिक्स बाकी है ना बात करने के लिए, हाँ, और इतना अच्छा मौका है, लेट्स सिट टुगेदर, बात करेंगे जी। तो okay. आपने दो दो ले लिए और मेरा एक भी नहीं मिल रहा है, मुझे दो पूछने थे अभी, ये भी ना इंसाफी है, यू मोनोपोलाइज होने चाहिए, मुझे सिर्फ एक टॉपिक मिला, आपको 3 टॉपिक मिले पूछने के लिए। हालांकि मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था ना, थोड़ा फास्ट स्पीड में और अच्छा डिस्कशन होगा, चलो नो प्रॉब्लम, जो हुआ अभी मेरा मौका है, आपका ये टॉपिक फिनिश हो गया, आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं दिख रहा इसलिए आप रिपीट कर रहे वर्ड्स। तो मेरा मैं कोऑर्डिनेटर से ये बात कह रहा हूं कि मुझे अपना सवाल पूछने का मौका दिया जाए, ये इंसाफ होगा, इंसाफी होगी अगर मुझे मौका नहीं दिया गया, इनको दो दो सवाल पूछने का मौका दिया गया, मुझे एक भी सवाल पूछने नहीं दिया जाए, ये बात ना इंसाफी है। जी तो इसको हम लोग ये कर सकते हैं कि क्योंकि प्रोफेसीज पे बहुत लंबा डिस्कशन भी हो गया, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ भी सकते हैं, ऐसा लग रहा हमको कि अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। तो इट्स माय टर्न, आई थिंक मेरी कंसर्न, आपका टर्न नहीं है समीर और सिद्धार्थ साहब, ये जैद भाई का टर्न है, रिपीट करके बता दीजिए आपने, हाँ उन्होंने पे बात कर ली है, उन्होंने पे बात कर ली है, टॉपिक फिनिश हो गया, मैंने अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दे दिया है, आप कंक्लूड करना चाह रहे समीर साहब?
आप कंक्लूड करना चाह रहे हैं? मुझे सवाल पूछने का मौका दिया जाए और मैं अपना म्यूट कर लूं। आप दोनों बात करने बैठे हैं शायद। मैं मॉडरेटर का काम नहीं, हम आपकी से बात कर रहे हैं। हम आपसे ही बात कर रहे हैं। चलो, तो आपने बात कर ली अपने, मुझे बात करने दें, क्यों तकलीफ है? चलो बोलिए आप। ओके, सबसे पहली बात तो ये कि आप ये कह रहे हैं कि कंक्लूड रिमार्क दे दिया है मैंने और ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर लें, हालांकि उसके लिए मेरी कंसेंट भी जरूरी है अगले टॉपिक पे जाने के लिए। मैं भी रेडी नहीं हूँ, मैं भी उस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जिस टॉपिक पे हमारी बात आपकी बात चल रही थी, प्रोफेसिस के टॉपिक के ऊपर, बिकॉज आई डिडंट कंक्लूड येट। मैंने अभी कंक्लूड नहीं किया है। आपने बात करते हुए ये कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि आप कुरान पर ईमान रखते हैं, आपका कुरान ये दावा कर रहा है कि ये लोग उसका उसका उसको लिखा हुआ पाते हैं अपनी किताबों में, तौरात और इंजील के अंदर उसको लिखा हुआ पाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं, जब आपका कुरान के ऊपर अकीदा है कि आप कुरान की इस वर्स को सही मानते हैं, अगर आप इसको सही मानते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है तो टू शो मी दैट वेयर इज रिटन द नेम ऑफ मोहम्मद इन तौरा एंड इंजील, प्लीज शो मी। यहां पे कहां दिया है उसमें कि नाम लिखा हुआ पाते हैं, उनका जिक्र पाते हैं? तो मैं इतनी देर से क्या प्रोफेसीज बता रहा था? यही तो सवाल का जवाब दे रहा था ना, जहां से हमने स्टार्ट किए थे ना, जो आपने सवाल पूछा मैंने जवाब दिया। आप पूरे डिस्कशन के बाद लास्ट में फिर से वही सवाल पूछ रहे जहां से डिस्कशन स्टार्ट हुआ ये सेगमेंट का। आप जो सवाल स्टार्टिंग में पूछे ना वो आपका लास्ट सवाल है, और सिर्फ इसलिए है कि आपको टाइम पुल करना है क्योंकि आप चाहते हैं कि 2 बजे तक मैं अगला सवाल नहीं पूछ पाऊं। लेकिन मैं बात कह रहा हूं कि क्योंकि नाइंसाफी ये की हो रही है कि 2 टॉपिक्स आपने अभी लास्ट साथ में पूछा है और मुझे एक भी पूछने नहीं दिया गया है, तो बैलेंस आउट होने के लिए आपको वेट करना चाहिए एथिकली मॉरली, जब तक मेरे 2 सवाल ना पूरे हो, फिर उसके बाद आप डिबेट को फिनिश कर सकते हैं। आप एक्सेप्ट करते मेरी बात को? मैं जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, इंसान को ईमानदार होना चाहिए। मैं अग्री करता हूँ कि अब तक हम जो बात कर रहे थे दैट वाज आउट ऑफ टॉपिक, हम लोग आउट ऑफ टॉपिक बात कर रहे थे, डेफिनेटली हमारा टॉपिक नहीं था। मतलब आप आउट ऑफ टॉपिक बात कर रहे थे, आप ये बोलना चाह रहे हैं? आप आपका बोलना जरूरी है बीच में? क्योंकि मैं मॉडरेटर हूं। नहीं, मेरे टर्न में नहीं बोल सकते आप। अगर मैं कोई गलत बात करूंगा या दूसरे के टाइम के अंदर ज्यादती करूंगा तो आप बोलेंगे। प्लीज अपना म्यूट करें यार, आपकी तकलीफ क्या? आपने पहली बार अपनी जिंदगी में गलत मॉडरेटर चूज किया, मैं आपको सच बता रहा हूँ। समझ गए, ये आप एक मैसेज दे रहे हैं ऑडियंस को कि पहली बार आपने गलत दे रहा हूँ कि वो आदमी बार बार इंटरप्ट कर रहा है। आपका मैसेज एक्सेप्टेड है, आपका मैसेज एक्सेप्टेड है। डिबेट करने की जब्त रही है, वो मुझको इंटरप्ट कर रहा है जो भाग गया था मुझसे डिबेट करने में। मैं ये बता रहा हूँ पब्लिक को, ये एक अटैक है, पर्सनल अटैक है, ठीक है ना? पर्सनल आप अटैक कर रहे हैं किसी मॉडरेटर के ऊपर में, ये आपकी हार होगी अभी समीर साहब। मैं एज ए मॉडरेटर आपको बोल सकता हूँ कि ये आपकी हार हो सकती है यहाँ पर। मैं एज ए मॉडरेटर, अरे भाई मेरी हार जीत तय करने वाली मेरी ऑडियंस है, तुम नहीं समीर और सिद्धार्थ साहब। आप यही कर सकते हैं। आप मुझे इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? आप मुझे इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं बेटा? आप पर्सनली अटैक क्यों कर रहे हैं? एज अ मॉडरेटर आप मुझे पर्सनल अटैक नहीं कर सकते कि ये भाग गया तो जो भी कहेगा। मैं आपके लाइफ के ऊपर गया, मैंने बोला आपके लाइफ में पीछे लड़की थी या क्या थी, मैं बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है? आपको बोला लाइफ के बारे में, मैंने आपको लाइफ के बारे में बोला, मैंने आपको लाइफ के बारे में बोला, मैंने आपको लाइफ के बारे में बोला, आपने मुझे आई थिंक कैन आप प्लीज डिस्कशन आप बाद में करिएगा पर्सनल लेवल पे। जी अभी हम लोग डिबेट के अंदर है और डिबेट में बात कर रहा था जैसा 8 मिनट बचे हैं। मैंने आपको सवाल पूछा समीर, आप जवाब दे दीजिए कि मेरे 2 सवाल पूछने का मुझे आप मौका देंगे ना? मैं आपको 4 सवाल पूछने का मौका दूंगा, लेकिन 2 कहां से ला रहे हैं ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आप 4 सवाल पूछेगा, जब तक आप नहीं पूछेंगे हम ये डिबेट कंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अरे सर पूछ लेना, लेकिन इनको बोलिए कि प्लीज खामोश रहें। डूइंग मच, खामोश हूं मैं, खामोश आपको मैं ना म्यूट कर, ठीक है? आप एक वर्ड नहीं बोलेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे 4 सवाल पूछने का गोल्डन मौका मिला है, मैं ये मौका खोना नहीं चाहता हूं। हाँ, और समीर ने एक्सेप्ट किया है, 4 सवाल मुझे पूछने का मौका मिलेगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे मैं भी पूछूंगा ना आपसे, फिर मैं भी आपसे 8 पूछूंगा ना, उस पर भी आप नहीं करेंगे। 2 पूछेंगे क्योंकि आप 2 ऑलरेडी पूछ चुके हैं। जी जी चलिए स्टार्ट करेंगे। लास्ट मेरी होगी, इस पर तो अग्री हैं आप? हाँ हाँ लास्ट आपकी रहेगी, लास्ट आपकी, क्योंकि